आज की इस परिचर्चा में आप सभी का आवाज गूंज रही है कहीं से जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और थोड़ा सा सामान्य विषयों से हट करके आज का ये विषय है, और संस्कृत वालों की ओर से ये एक तरह का दुस्साहस ही है कि वो ये लिखें कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट को या राजनीति विज्ञानियों को इस सारे विषय से क्या सीखना अपेक्षित है। तो उस सारे विषय अभी उस विषय पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पहले हम जो मुख्य विषय है उसकी ओर अग्रसर होते हैं और फिर देखते हैं कि राजनीति विज्ञानियों को जब हम कहते हैं कि क्या सीखना अपेक्षित है तो उसका अभिप्राय क्या है। लेकिन मुख्य रूप से उसका अभिप्राय यही है कि हम भारतीय संदर्भों में पॉलिटिकल साइंस को कब विकसित करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि में भारतीय शब्दावली को कब हम स्थापित करेंगे, और उसी की आधार पे पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस जो है उसको कैसे विकसित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक भाव है पीछे, और ये कोई ऐसा नहीं है किसी प्रकार का आक्षेप है, लेकिन ये एक अपेक्षा है, इसीलिए अपेक्षित शब्द का प्रयोग किया है। तो इस अपेक्षा को जो है वो आक्षेप ना समझिएगा, लेकिन अपेक्षा है। तो अब हम सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं कि सबसे ऊपर जो आप टॉपिक देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स की संस्कृत शास्त्री मीमांसा, कि क्या संस्कृत शास्त्रों में ज्ञान का कोई ऐसा पक्ष है जो इंडियन पॉलिटिक्स की मीमांसा कर सके, उसका क्रिटिसिज्म कर सके, उसका क्रिटिक प्रस्तुत करे। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसमें भारतीय राजनीति शब्द को जो है उसको माइनस कर दिया है, कट लगा दिया है, उसको इसके समकक्ष नहीं माना है। उसका कारण है कि संस्कृत शास्त्र की जो अपनी परंपरा है और उसमें ये भारतीय राजनीति दोनों ही शब्द अपने आप में बहुत श्रेष्ठ उत्तम कोटि के हैं, तो उसको हम इंडियन पॉलिटिक्स के साथ उसके तुलना या पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करने से हमें जो है वो कोई युक्ति संगत बात नहीं लगती। और उसके कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आप भारतीय कहते हैं तो आपके पास पूरी एक लंबी परंपरा है, हजारों साल की एक लंबी परंपरा है संस्कृति की भी और सभ्यता की भी। तो निश्चित रूप से सभ्यता और संस्कृति जब विकसित हुई होगी तो उसमें आपके पास एक राजनीतिक व्यवस्था भी उपलब्ध हुई होगी। और दूसरा, राजनीति शब्द जब आप प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य किंग के साथ या लॉ मेकिंग, जिस तरह से वेस्ट में प्रयोग करते हैं पॉलिटिक्स, उस तरह से यहाँ पे प्रयोग नहीं होता। यहाँ राजनीति शब्द का मतलब है प्रजा के लिए किए जाने वाले जो हितकारी नीतियां हैं, ये इतना सा सीधा स्पष्ट है, और उसमें आवश्यक रूप से प्रजा की प्रसन्नता, उसमें वेलबींग जो है, प्रसन्नता जो है वो सबसे मुख्य है। तो इसलिए राजनीति शब्द जो है वो भारतीय संदर्भ में इसको बताता है, जो कि पॉलिटिकल साइंस हालांकि बहुत अच्छे संदर्भ में भी पहले प्रयोग किया गया है, और उसके जो मॉरल इश्यूज हैं उसमें ये सब बातें आती हैं, लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो राजनीति का पर्यायवाची नहीं रहता। तो यहाँ पे जब हम इंडियन पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं उसको बहुत संक्षिप्त और सीमित अर्थों में उसका प्रयोग कर रहा हूँ। इंडियन शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से वो इस अर्थ में कि वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक मार्केट रही है, चाहे वो अंग्रेज आए चाहे मुसलमान आए, चलिए वो तो बाद में आकर यहाँ स्थापित हो गए लेकिन यहाँ धन संपदा को देख करके वो लोग आए, और यहाँ से जिनका था वो, जिनके पास जैसी साधन सुविधाएं थी उस तरह से उन्होंने यहाँ का शोषण किया और ले गए। और पॉलिटिक्स को हम जिस अर्थ में आज हम प्रयुक्त करते हैं वो घर में पॉलिटिक्स से लेकर के आपके काम करने वाले स्थानों की पॉलिटिक्स से लेकर के और समाज में प्रचलित जो लोकतंत्र है उसमें भी जिस तरह के पॉलिटिक्स शब्द को हम प्रयोग करते हैं और व्यवहार करते हैं, ये पॉलिटिक्स उसी अर्थ तक हमने सीमित रखा। इसलिए आप कृपया अपना माइक ऑफ रखें,
नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बीच में डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए इंडियन पॉलिटिक्स इसी अर्थ में हमने इसको प्रयोग किया है। अब इस इंडियन पॉलिटिक्स को जब हम संस्कृत शास्त्र मीमांसा कहते हैं तो उसको कैसे परिभाषित करती है, और मैं अपेक्षा करता हूं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो संभवतः इस विषय को इस रूप में पढ़ाते होंगे और इस तरह से परिभाषित करते होंगे। तो सबसे पहले उसका स्वरूप वो स्पष्ट करते हैं कि क्या भर्तृहरि अपने नीति शतक में कि ये पॉलिटिक्स जो होता है इसका स्वरूप क्या है। स्वरूप में सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थ परा बदान्या, यानी कि क्या कहते हैं कि जब ये पॉलिटिक्स ये राजनीति जो होती है वो क्या है, कहीं सत्य बोलती है कहीं मिथ्या, कहीं कटु भाषणी कहीं प्रिय भाषणी, कहीं हिंसात्मक होती है कहीं दयालुता के बोध से युक्त होती है, कहीं लोभग्रस्त और कहीं दान देने वाली भूरी दान देने वाली, कहीं पे अपव्यय करने वाली और कहीं धन संचय करने वाली। जो राजनीति है जो पॉलिटिक्स है वो वेश्या की भांति अनेक प्रकार के रूप धारण करती रहती है। तो ये एक तरह का उन्होंने इसके स्वरूप के ऊपर जो है वो हमें स्वरूप जो है वो हमें स्पष्ट करके दिया है, ये भर्तृहरि कह रहे हैं। अब इस बात को इस आधार पे जब आप कहते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स का जब आप अनुवाद करेंगे तो वो षट व्यवहार होगा, वो किसी भी तरह से भारतीय राजनीति व्यवहार नहीं आप कर सकते, उसका अनुवाद नहीं कर सकते। आपको षटतापूर्ण व्यवहार जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से आपको पहचानना पड़ेगा। अब जब इंडियन पॉलिटिक्स की बात होती है, जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो उसके केंद्र में जो है वो क्या रहता है, आप इधर नीचे की ओर देखिए, राजधर्म, कि चाहे वो प्रजा है चाहे वो राजा है वो सभी अकाउंटेबल हैं और उनको राजधर्म का पालन करना है। और राजधर्म का पालन कौन कर सकता है, हर कोई जो राजा बन जाएगा या कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा वो राजर्षि ही केवल जो है वो राजधर्म का पालन कर सकता है। और दूसरी ओर जो लोक संग्रह है वो उसका लक्ष्य है। लोक संग्रह का मतलब है क्या है कि जो राष्ट्र राज्य और समाज और व्यक्ति इन सबको समायोजित करके उनको कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करता है, वही इसमें जो है वो राजर्षि वही राजनीति कर सकता है। वही इस तरह की चर्चा जो है वो राजनीति का स्वरूप जो है राजधर्म का पालन कर सकता है और राजनीति को एक सकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और इसका जो प्रमाण है वो आपको भगवद गीता में मिलता है, जहां पे लोक संग्रह शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। तो यहां से हम सीधे आगे विषय की ओर अग्रसर होते हैं, जहां पर हमने इन सब चीजों को लिया है कि इसका जो इवेल्युएशन मेथड है वो क्या है। अब आप देखते हैं कि आज के जो वर्तमान कालिक मैनिफेस्टोज आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जिसमें हर तरह का जो है वो फ्रीबीज दी जाती हैं, कैश सपोर्ट, फार्म लोन वेवर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री लैपटॉप, ETC आप सब जानते हैं, ये सब लगभग वो सब दे रखा है। लेकिन आप जब इंडियन पॉलिटिक्स की ओर ध्यान देते हैं, संस्कृत शास्त्रों की ओर, तो वहां पर जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो मैं आपके लिए वैसे हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, हालांकि ये अश्वपति आख्यान छांदोग्य उपनिषद से है। उसमें वो कहता है कि मेरे राज्य में, ये मैनिफेस्टो है, और आप आज के मैनिफेस्टो की तुलना करें तो आप देखेंगे कि कैसे अजीब सी स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या मैनिफेस्टो है कि मेरे जनपद में, राज्य में, न तो कोई चोर होगा, न कुत्सित व्यवहार करने वाला, न मद्यपाई दारू पीने वाला, न कोई गृहस्थी जिसके घर में अग्नि स्थापित ना हो, यानी कि किसी को भुक्षा से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, न कोई अविद्वान, केवल लिटरेट नहीं स्कॉलर होगा, न स्वेच्छाचारी पुरुष, तो स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहाँ होगी। तो ये एक एक मैनिफेस्टो है। दूसरी तरह के मैनिफेस्टोस को अगर आप देखें, बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि जैसे कि यहाँ पर वो वेदों में कहा गया है, यजुर्वेद में वो कहते हैं कृषयित्वा क्षेमायित्वा रहियेत्वा पोषाय, यानी कि राजा राज्य में कृषि की उन्नति करे, जनता की सर्वविध कल्याण हो, राज्य में श्री की वृद्धि हो, प्रजा का उचित भरण पोषण हो। तो ये राजधर्म का पालन उसको करना है और यही उसका मैनिफेस्टो भी है। और इसी तरह से ये आप नीचे भी देख सकते हैं कि तेजस्विता, ओजस्विता, शिक्षा प्रसार, अन्न समृद्धि, प्रजा की निरोगिता, ये पूरे का पूरा मैनिफेस्टो आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा मैनिफेस्टो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का
नहीं देखते। अब इस मीमांसा में आप ये भी देखें कि इवेल्युएटिंग द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन संस्कृत शास्त्रीय स्टैंडर्ड्स, आप ये जानते हैं या इस व्यक्ति को आप अच्छे से पहचानते हैं जिसने कि कहा था कि जो देश का जो सर्वोच्च सेना अध्यक्ष है वो सड़क का गुंडा टाइप है, इस तरह की भाषा, और एम के स्टालिन जैसे लोगों की आपने भाषा सुनी होगी कि भाई जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, और भी इस तरह के मैंने आप लोगों के सामने उदाहरण रखे हैं। तो संस्कृत शास्त्र क्या कहते हैं कि जब आप ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो क्या चाहिए, अपेक्षित क्या है कि भद्रम भद्रम इति ब्रूयात, यानी कि ऑलवेज स्पीक द बेनिफिशियल वर्ड्स फॉर एवरीवन, डू नॉट प्रोटेस्ट और डिस्प्यूट विद एनीवन विदाउट ऑफेंस, दोज हु आर बेनिफिशियल टू द अदर्स बट आल्सो स्ट्रिक्ट वर्ड्स डू नॉट रिमेन विदाउट टेलिंग देम। ये मनुस्मृति में ये कहा गया है कि इस तरह से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, हालांकि इसमें 18 जो हैं वो गुण दोष गिनाए जाते हैं कि किस तरह की भाषा का हमें संयमित भाषा का मर्यादापूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये लैंग्वेज इवैल्यूएशन है आज के पॉलिटिक्स की। अब इसके बाद पॉलिटिशियंस जिनको हम कहते हैं, उन पॉलिटिशियंस की 4 कैटेगरीज आपको संस्कृत शास्त्रों में दिखाई देती है, वो कौन से हैं, एके सत पुरुषा परार्थ घटका, जिनकी संस्कृत की बैकग्राउंड होगी वो इस बात को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका संस्कृत में न जाते हुए आपके सामने चारों कैटेगरीज बता देता हूं और आप जल्दी से इसके ऊपर नजर मार लेंगे तो समय बच जाएगा ताकि हमारे पास अधिक समय जो है चर्चा के लिए रहे। दीज आर द गुड पॉलिटिशियंस हु कीप अवे देयर ओन प्रोजेक्ट्स एंड हेल्प अदर्स टू अचीव देयर गोल्स, दे आर सात्विक अनसेल्फिश नो प्रिटेंसेस देयर। तो ये पहली तरह के सत पॉलिटिशियंस इनको कहेंगे। सेकंड कैटेगरी, वेयर एज दीज आर द ऑर्डिनरी पॉलिटिशियंस हु अपीयर टू डू थिंग्स फॉर अदर्स हैविंग देयर ओन बेनिफिट इन देयर माइंड, दे आर काइंड ऑफ राजसिक और सेल्फिश पॉलिटिशियंस। थर्ड कैटेगरी है, एंड दीज अदर ह्यूमन शेप डेमन पॉलिटिशियंस ब्रिंग हार्म टू अदर्स फॉर देयर ओन गुड, इनको आप क्या कहेंगे, तामसिक या सेल्फिश या मीन माइंडेड पॉलिटिशियंस। और चौथी कैटेगरी जो है, बट वी डू नॉट एक्चुअली नो व्हाट आर दीज ह्यूमन शेप्ड क्रीचर पॉलिटिशियंस हु हार्म अदर्स फॉर नो पर्पस एट ऑल, दे आर वर्स देन एनिमल्स। तो ये आप 4 कैटेगरीज संस्कृत शास्त्रों में पॉलिटिशियंस की आपको दिखाई देती हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, कि ये पॉलिटिशियन किस लो लेवल तक भी जा सकते हैं किस लेवल तक जा सकते हैं, और आप रोजमर्रा की अखबारों में मीडिया में उनके व्यवहार को आप देखते हैं और वो क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है भर्तृहरि की, जातिर यादु रसातलम गुण गणेश तत्राप्यधो अथा गम्यताम शीलम शैल तटात पतत्व अभिजन संदेहता बने, यानी कि लेट कास्ट गो अंडरग्राउंड एंड ऑल गुड क्वालिटीज गो फर्दर डाउन, लेट कंडक्ट टम्बल डाउन ए माउंटेन एंड नोबल बर्थ बी कंज्यूम्ड बाय फायर, मे थंडर स्ट्राइक इंस्टेंटली एट ब्रेवरी टुवर्ड्स फोर्स, लेट अर्थ सेल्फ इंटरेस्ट और वेल्थ अलोन बी अवर्स, विदाउट विच ऑल दीज वर्च्यूज आर बट लाइक ब्लेड्स ऑफ ग्रास। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल जो है वो भर्तृहरि बताते हैं, लेकिन इन चीजों को हम ना तो अपने कोर्सेज में कभी ऐड अप करते हैं ना कभी हम इन चीजों की ओर ध्यान देते हैं कि इस तरह से भी इन विषयों के ऊपर चर्चा हो सकती है। हम हमेशा वेस्ट को कोट करते हैं, वेस्ट की कोटेशंस दे करके हम कहते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटिक्स को जो है वो डिफाइन कर दिया, उसका मूल्यांकन कर लिया, लेकिन कभी हम इस तरह से भी इन चीजों को डिफाइन करने का प्रयास करें। थोड़ी सी और बातें मैं और आगे आपसे साझा कर लेता हूं कि संस्कृत शास्त्र distinguish between low level mean politician and sensible politician in the following manner. क्या कहते हैं कि ये भी एक श्लोक है नीति शतक से, लांगूल चालनम अधश चरणावपातम, यानी कि क्या कहते हैं वो अर्थ मैं आपसे साझा कर लेता हूँ और ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगा आपसे, कि कुत्ते को देखिए कि किस प्रकार वह अपने स्वामी के पैरों में गिर पड़ता है, जिसको आजकल आम भाषा में हम क्या कहते हैं, चमचा, तो अपनी पूंछ हिलाकर के पंजा बढ़ाकर भूमि पर लौटकर अपने भूखे पेट का दर्शन करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तम गजराज
जो दूसरी तरह के पॉलिटिशियंस, श्रेष्ठ पॉलिटिशियंस होते हैं, वो उनका व्यवहार कैसा होता है, वो शांति से अपने भोजन की ओर देखता है और तभी खाना शुरू करता है जब महावत उसके मिन्नते करता है, उसको निवेदन करता है। और इसी से, इसीलिए वो फर्दर और आगे ये बात कहते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए सेंसिबल पॉलिटिशियन। वो गुड पॉलिटिशियन की बात नहीं करते, सेंसिबल पॉलिटिशियन की बात करते हैं। क्या कहते हैं, निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। यानी कि एक्सपर्ट्स इन पॉलिसी और एथिक्स मे सेंश्योर और प्रेज देम, द गॉडेस ऑफ वेल्थ मे एंटर और लीव एट विल, डेथ मे कम टुडे और इन ए लेटर ईयर। रिगार्डलेस वाइज एंड करेजियस पॉलिटिशियंस डू नॉट स्वीयर फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस। तो ये भी वो अंतर करके आपको बताता है कि किस तरह के पॉलिटिशियंस की अपेक्षा समाज को है। और इसका एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण हमें पीएम वाजपेयी से हमें देखने को मिलता है, जहां उन्होंने पीएम की पोस्ट से रिजाइन करते हुए एक पंक्ति संस्कृत की कही थी, लेकिन उसको हम कभी ध्यान नहीं देते। बड़ी सुंदर और श्रेष्ठ पंक्ति है और इससे आपको स्टैंडर्डाइजेशन का मौका मिलता है। और मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस में अगर इस तरह का कोई स्टैंडर्डाइजेशन आप लोगों ने बनाया हो तो वो जरूर आप हमारे साथ साझा करें। क्या कहा था उस वक्त वाजपेयी ने, न भीतो मरणा दशमी केवलम दूषितम यशः, विशुद्ध से ही मे मृत्यु पुत्र जन्म समो भवेत। कि मैं मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन मेरा यश, मेरा सम्मान दूषित किया गया है, और जो ऐसी विशुद्ध मृत्यु होती है वो पुत्र जन्म के समान होती है। तो मुझे इस बात से भय है, इस बात का दुख है कि मेरे यश को अपमानित किया गया है, कलंकित किया गया है। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, पीएम बनना और ना बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर आक्षेप लगना, मेरे यश पे आक्षेप लगना, और आज के आप पॉलिटिशियंस को देखिए, उनके लिए यश का कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत सारे उदाहरण आप देखते ही हैं रोजमर्रा में, मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की सीमा है। तीन चार स्लाइड्स में और साझा करके फिर हम इस हाउस को ओपन करेंगे चर्चा के लिए, आप सबके कमेंट्स के लिए। संस्कृत शास्त्र रिकमेंड्स व्हाट पॉलिटिशियन शुड डू आफ्टर बिकमिंग पीएम सीएम एमपी ईटीसी। वो क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में, लेकिन इसको तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल साइंस में कभी पढ़ाया भी गया होगा या इन चीजों को देखा गया होगा। वो क्या कहते हैं, अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणा रक्षित विवर्धनी वृद्ध से तीर्थेशु प्रतिपादनी। यानी कि जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, प्राप्त का परिरक्षण करना, परिरक्षित का संवर्धन करना, और संवर्धित का सामाजिक लोक कल्याण संस्थानों में निवेश करना चाहिए। तो ये पीएम सीएम एमपी को ये काम करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है अर्थशास्त्र की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल साइंस के लोग कभी इतने खुले मन के होंगे कि इन विचारों को वो कभी अपने सिलेबसेस में लगाएंगे। उसके साथ आप नीचे एक और रिकमेंडेशन देखें कि रिकमेंडेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फॉर पॉलिटिशियंस आफ्टर बिकमिंग सीएम पीएम ईटीसी। वो क्या कहते हैं, राजन दुधुक्षसी यदि क्षिति धेनु मेधाम। यानी कि हे राजा, हे पॉलिटिशियन, यदि तुम पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हो राज्य को, तो प्रजा रूपी बछड़े का पालन पोषण करो। यदि तुम प्रजा रूपी बछड़े का अच्छी तरह से पालन पोषण करोगे तो पृथ्वी स्वर्गीय कल्पलता की तरह अपने आपको नाना प्रकार के फल प्रदान करेगी। ये पोइटिक लैंग्वेज जरूर है, लेकिन कितनी मीनिंगफुल है, कितनी सार्थक है, ये आप देखिए कि पॉलिसीज कैसी बननी चाहिए, इस आधार पर पॉलिसीज बननी चाहिए। इसी का पार्ट टू अगर आप देखें तो वहां एक और रिकमेंडेशन है कि जब पॉलिटिशियन चुनाव के बाद किसी कुर्सी पे बैठता है तो क्या करना चाहिए, कि दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य संप्रवृत्ति। टू पनिश द विकेट, टू प्रोटेक्ट द गुड, टू एनरिच द ट्रेरी बाय जस्ट मेथड्स। ये नहीं कि टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लगाते चले जाओ। टू रेंडर जस्टिस इम्पार्शियली टू लिटिगेंट्स एंड टू प्रोटेक्ट द किंगडम। These are the five yajnas to be performed by a king. ये यहाँ पर recommendation है। एक और recommendation है कि भाई तुम बेशक चुन के आए गए हो, तुम्हें प्रजा ने चुन लिया, वोट दे दिया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थे, दो में से किसी एक को चुनना था, जो उनको जिसको भी उन्होंने चुन लिया। तो वहां पे वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिशियन जब
एडमिनिस्ट्रेटिव की कुर्सी पे, एडमिनिस्ट्रेटर की कुर्सी पे, चेयर पे बैठता है, आसन पे बैठता है, तो केवलम शास्त्र आश्रित्य न कर्तव्यो भी निर्णय। क्या कहता है? डिसीजन शुड नॉट बी गिवन बाय मेयरली रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट और लेटर्स ऑफ द शास्त्रास। कि भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है तो बस इसी को हम ऐसे फॉलो कर देंगे, उसकी लेटर और स्पिरिट को भी आपको देखना चाहिए। इफ अ डिसीजन इज अराइव्ड एट विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इट रिजल्ट्स इन द डिफीट ऑफ धर्म और फेलियर ऑफ जस्टिस। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप सोचें कि क्योंकि ये शब्द लिखा हुआ है बस इसको हम कर दें, तो आप कितनी हिंसा कर जाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, आपको खुद नहीं पता लगता। अब इसमें आप एक और चीज देखिए कि संस्कृत शास्त्रीय ऑब्जर्वेशन जो है वो पॉलिटिशियन के बारे में दो तरह की है, दो तरह के उसकी दृष्टि में एक पॉलिटिशियन है, ये एक और कैटेगरी है। वो क्या कहता है? बैड पॉलिटिशियन यूजेस हिज हर नॉलेज फॉर एम्प्टी आर्गुमेंटेशन, हिज और हर वेल्थ फॉर इगोइस्टिक एक्शंस, एंड हिज हर पावर फॉर हार्मिंग अदर्स। आप देख ही रहे हैं किस तरह का पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल पे जो कम से कम पॉलिटिक्स चल रहा है वो किस तरह का चल रहा है। द ऑपोजिट इज ट्रू कंसर्निंग ए गुड पॉलिटिशियन, ही शी यूजेज हिज नॉलेज वेल्थ पावर फॉर प्रोवाइडिंग टू अदर्स नॉलेज फाइनेंशियल हेल्प एंड प्रोटेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये एक कैटेगरी है। अब इसके अलावा चाणक्य नीति जो है वो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहती है जो प्रजा है उसके लिए, और पर्टिकुलरली जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में रह रहे हैं तो वहां पे वो ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या कहता है श्लोक? यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिशेवते। आप हिंदी नीचे पढ़ लीजिए, मैंने हिंदी इसीलिए लिख रखी है। क्या कहता है कि जो हिंदू अपना ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है जो स्थिर रहता है, अपना स्वधर्म का परित्याग करके अध्रुव यानी कि जो समय समय पे बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, यानी कि संविधान का सेवन करता है, क्योंकि ये संविधान तो बदलता रहना है, कई परिवर्तन इसमें 100 से अधिक परिवर्तन हम कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में जब डेमोग्राफिक चेंजेस होंगी तो ये संविधान की स्थिति क्या होगी, ये मुझे लगता है कि ये हमें देखना होगा, और तब पॉलिटिशियंस किस तरह का व्यवहार करेंगे हम कह नहीं सकते। तो क्योंकि जब इस्लामिक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे, तो संविधान की क्या स्थिति होगी, ये आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का ध्रुव अर्थात स्वधर्म तो नष्ट होता ही है, उसका ध्रुव अध्रुव अर्थात संविधान तो नष्ट होगा ही। और इसका उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण जो है वो आप कश्मीर में देखते हैं कि जब हिंदुओं ने अपना केवल संविधान को स्वीकार करके तदनुकूल सेकुलर हो गए, और वहां पर जो परिस्थितियां बदली उसका परिणाम हम देख रहे हैं। बाकी लोगों के लिए सेकुलर होने का क्या अर्थ है ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन इसका परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ा, और आने वाले समय में जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह की दिखाई देती हैं, जिन पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे, वो हमें इस बारे में सावधान करती हैं। बस दो एक बातें कह करके मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी बात। एक बुक है शुकनासोपदेश, जो कि कादंबरी का एक हिस्सा है, उसमें जो है वो विकट पॉलिटिशियन, हाउ ए विकट पॉलिटिशियन प्रिटेंड टू बी गुड, इसके बारे में वो ऑब्जर्वेशंस देता है, उसको डिफाइन करता है बाण भट्ट की। वो क्या कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो जो राजा का पुत्र है वो शिक्षा लेने के लिए मंत्री के पास आया हुआ है उससे समझने के लिए, तो वो कहता है डू नॉट गेट बिफूल्ड बाय द आउटवर्ड कंडक्ट ऑफ ए पॉलिटिशियन। और आप देखते ही हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस किस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या कहते हैं? इफ डेम्यूरनेस इज देयर, इट अपीयर्स दैट वे बिकॉज ऑफ स्टुपिडिटी, नॉट बिकॉज वन कीप्स अवे फ्रॉम प्रोहिबिटेड एक्ट्स। इफ ऑस्टेरिटी इज ऑब्जर्व बाय प्यूरिफाइंग द माइंड, इट इज मियर शो ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ डिवोशन और राइटियस एक्ट्स। इफ क्लीनलीनेस इज ऑब्जर्व, इट इज जस्ट फॉर डिसीविंग अदर्स, नॉट बिकॉज फॉर परस्यूइंग स्पिरिचुअल गोल्स। इफ वेलर इज एग्जिबिटेड, इट इज जस्ट एन एक्ट ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट द वीक, नॉट अ ट्रू एक्ट ऑफ करेज। और इस तरह से पूरी उसने एक लिस्ट दे रखी है कि किस तरह के वो लोग होते हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, जिनको आप विकट पॉलिटिशियंस कह सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं दो तीन बातें और कह के समाप्त कर रहा हूं और आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं।
एक चाणक्य नीति और ऑब्जर्वेशन इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में कहती है, क्या कहता है कि आचार है कुलम आख्याति, कि जो आचार है किसी पॉलिटिशियन का जो आचरण है वो उसके परिवार की अपब्रिंगिंग को, उसकी बैकग्राउंड को बताती है, उसका भाषण, उसके बोलने की कला जो है उसके कंट्री को, उसके देश को, उसके रीजन को बताती है, और उसमें जो एक संभ्रम है, एक आवेग है, वो उसके स्नेह को दिखाती है कि किस तरह का स्नेह उसके भीतर रहता है, और जो उसका भोजन, उसका शरीर है वो उसके भोजन को बताता है। और इसलिए चाणक्य ये रिकमेंड करते हैं कि इन पॉलिटिशियंस की इवेल्युएशन की जानी चाहिए, कम से कम चार पैरामीटर्स वो देते हैं, जैसे कि संभवतः पॉलिटिकल साइंस में वो चार पैरामीटर्स देते होंगे, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने ही, यानी कि द क्वालिटी ऑफ गोल्ड इज इवेल्युएटेड बाय फोर टेस्ट, स्क्रैचिंग अगेंस्ट टचस्टोन, कटिंग हीटिंग एंड बीटिंग। सिमिलरली ए मैन इज टेस्टेड फोर वेज, एजुकेशन, कैरेक्टर, फैमिली एंड हिज डीड्स। तो ये पॉलिटिशियन को इवेल्युएट करने के ये सारे तरीके बताए गए हैं। और ये अंतिम दो एक स्लाइड्स हैं, संस्कृत शास्त्रीय ऑब्जर्वेशन अबाउट एरोगेंट बिहेवियर ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस। आप सभी परिचित ही हैं, अखबारों और मीडिया में आप देखते हैं, तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप यहाँ शुकनासोपदेश में के इसके अर्थ को थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये जो है वो समाजवादी पार्टी वाले ने जब ये कहा था कि रिलीजन इज बिफोर कंट्री, इस तरह की जब बातें की थी, तो आप इस बात का मूल्यांकन करें कि क्या होता है कि राज्याभिषेक के समय इन राजाओं की उदारता मानो मंगल कलशों से धो दी जाती है। ये थोड़ी पोएटिक लैंग्वेज है, लेकिन ये यही बता रहा है कि जिस वक्त ओथ टेकिंग सेरेमनी करते हैं कि मैं भारतीय की संविधान की शपथ लेके कहता हूँ कि प्रजा के भले के लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसी क्षण में वो शपथ जो है वो उनके उदारता को धो देती है और उनके हृदय जो है वो मलिन कर दिए जाते हैं, उनके सहनशीलता जो है उसी से समाप्त हो जाती है, और पगड़ी के बांधने से मानव बुढ़ापे के आगमन की स्मृति ढक दी जाती है कि वो तो हमेशा ही अब कुर्सी पे बैठ गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं वो उसमें कही गई हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये कहा है पार्ट टू में कि वह राजनेता दर्शन देना भी कृपा मानते हैं, कि उनसे मिलने जाओ तो वो टाइम देते हैं कि भाई अच्छा इस वक्त आना फिर हम मिलेंगे, और उसमें भी वो समय दिए हुए समय के कितनी देर बाद आते हैं तो वो उसको कृपा मानते हैं, किसी पर वो दृष्टि डालने को अपने उपकार की श्रेणी में रखते हैं कि हमने तुझे देख लिया, बात करना भी पारितोषिक देना समझते हैं, आज्ञा देने को वर देना मानते हैं, और किसी को स्पर्श करना मानो किसी को पवित्र कर दिया, ऐसा उनका व्यवहार होता है। ये एरोगेंट बिहेवियर ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस जो है उसके बारे में ये ऑब्जर्वेशन है। और इसी को वो कंक्लूड करते हुए फिर वो कहते हैं कि, और आप ये देख सकते हैं कि राजनीतिक दल की सरकार आने पे जो सत्तासीन लोग होते हैं उनमें किस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है, कि ये सारा संस्कृत के कोटेशंस हैं, उसका अर्थ मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि हर प्रकार से उसका अभिनंदन करते हैं, उसे ही पास बिठाते हैं, उससे बातें करते हैं आदि आदि, जो उनकी स्तुति करता है, ये सारे वही हैं, उसी को मित्र बनाते हैं, उसका कहना सुनते हैं, उस पर ही बरसते हैं, उसे ही बहुत मानते हैं, उसे ही विश्वास पात्र बनाते हैं, जो अपने अन्य कर्तव्यों को छोड़कर देवता की भांति उनकी स्तुति करता है अथवा उनकी महिमा प्रकट करता है। आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें इस सारे विषय में कही गई हैं। और फिर एक बात, अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिशियंस हैं जब कुर्सी पे बैठते हैं तो उनको लगातार एक भय बना रहता है कि अब अगले इलेक्शन के लिए हमारे क्या करना होगा, कैसे होगा, अगले इलेक्शन में कैसे वोटों को हासिल करना और कैसे अपनी कुर्सी बचानी है। तो वो फिर क्या करते हैं, ये एक किरातार्जुनीयम का श्लोक है, वो कहते हैं कि जैसे दुर्योधन जो है अपने राज्य को बताने के लिए, क्योंकि उसने छल कपट से उस राज्य को ग्रहण किया था, उसने बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स चलानी शुरू की, बहुत अच्छी पॉलिसीज बनानी शुरू की, और नीति के द्वारा, फ्री बीज के द्वारा जो है वो अपनी प्रजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है, और यही आज हमारे पॉलिटिशियंस व्यवहार करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें थी,
और ये सारे इश्यूज आप जानते हैं कि रीजनल लेवल के जो पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट, फ्रीबीज, रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, एमएसपी, ये ही सारे इश्यूज जो हैं, इन इश्यूज तक ही सारी की सारी बातचीत होती है। तो कुल मिलाकर के ये संस्कृत का एक बहुत संक्षिप्त सा मैंने पक्ष आप लोगों के साथ साझा किया है कि संस्कृत शास्त्रों के आधार पर हम इंडियन पॉलिटिक्स को, जिसको मैंने बहुत सीमित शब्दों में, सीमित अर्थों में प्रयोग किया है, उसको किस तरह से हम देख सकते हैं। और ये भी मेरी उससे अपेक्षा है कि क्या इस तरह के सामग्री को, पाठ्य सामग्री को हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं, चाहे 5 नंबर का, 6 नंबर का, 10 नंबर का, या केवल हम 70 साल के बाद भी हम वही वेस्ट की थ्योरीज, वेस्ट की पॉलिसीज, वेस्ट के कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ाते रहेंगे, या कभी अपने शास्त्रों की ओर, अपनी परंपरा की ओर भी देखते रहेंगे, देखने का कष्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रेजेंटेशन थी जिसमें 20-25 मिनट मुझे जरूर लग गए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत संक्षेप में और बहुत सटीक आप लोगों के साथ मैं इस विषय को साझा करूं। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों को एक बहुत एक आइडिया देने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग अपना अपना विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हाउस जो है वो चर्चा के लिए खुला है, आप अपनी अपनी बात कह सकते हैं, असहमति आप जता सकते हैं, आप इसके या आपकी कोई और सूचनाएं हैं, सामग्री है, वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर मोहनलाल जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, तो मैं चाहूंगा उनसे हम बात शुरू करें, और उसके बाद डॉक्टर रोहताश जमदग्नि जी, तो क्रमशः हम चलेंगे, आप लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। मोहनलाल जी प्लीज आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर रोहताश जी। मुझे नहीं लग रहा कि, चलिए रोहताश जी आप अपनी बात कहना चाहते हैं। ओके, चलिए अभी हमें नहीं इन दोनों में से मिला किसी का, कोई और अपनी बात रखना चाहे जी, प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, उसके बाद मैडम डॉक्टर अश्विनी मलिक जी। जी सर, पर यदि अश्विनी मलिक जी अपनी बात करना चाहते हैं तो पहले उनसे उनसे सुनना चाहूंगा। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये तो संवाद है, मिल जाए तो इसलिए मैं चाहता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मैं कह लेंगे अश्विनी जी अपनी बात। अच्छा जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, एक तो विषय के चयन और उसके बाद जो विषय पर जिस तरह से आपने विस्तृत व्याख्या की है बहुत ही तार्किक ढंग से, उसके लिए आपको बहुत बहुत आशुतोष जी साधुवाद। आपके विषय पर सीधे सीधे आते हुए मैं एक विचारणीय प्रश्न रख रहा हूँ कि क्या हमने स्वतंत्र भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है या भारत का संविधान बनाया है? बड़ा मूलभूत प्रश्न है। क्योंकि यदि आप संविधान सभा की परिचर्चा को ध्यान में रखें तो जो संविधान का पहला ही अनुच्छेद है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस पर जब चर्चा हुई तो अनेक आए, भी भारतवर्ष रखा जाए नाम, यहां तक कि यह भी आया एक संशोधन, भारत दैट इज इंडिया, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया था। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य ने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने ये कहा कि जब अनेक वक्ताओं ने ये कहा कि भारत दैट इंडिया रख दिया जाए एक समझौते के रूप में, तो उन्होंने ये कहा कि जो आप संस्कृत में बोले हैं वो मेरे को समझ में नहीं आया, जबकि वहां पर ट्रांसलेटर भी होते हैं। तो इसलिए शास्त्र की जब आप बात करते हैं भारतीयता की, तो एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लगता है जी। दूसरा,
यदि आप संविधान सभा की परिचर्चा को देखें तो अनेक उदाहरण, जहां तक मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया तो मेरे को लगभग 480 के आसपास उदाहरण मिले हैं कि जो भारतीय संस्कृति से लिए गए हैं, जिनका उल्लेख संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने अपने वक्तव्यों में किया था। जी जी, ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति को स्थान नहीं दिया गया। विशेष यदि आप देखें जो चित्र बनाए गए, जो 22 खंड हैं, उनके ऊपर जो चित्र हैं, वो भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय इतिहास का भी चित्रण करते हैं। जी, जो मूलभूत प्रश्न आपने उठाए, जिनमें सबसे बड़ा था कि क्या राजनीति विज्ञान को पढ़ाने वाले इन संदर्भों को, इनके शास्त्रीय मीमांसा को, भारतीय मीमांसा को लेते हैं, तो मैं इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे सकता हूं, और वो उत्तर नहीं। जी, यदि आप का प्रयास भी करेंगे तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। जी, और इसलिए चूंकि हमारी यहाँ दिक्कत क्या है सर, कि संस्कृति को एक भाषा तक मान लिया गया, संस्कृत तक। जी, संस्कृति भारत की अन्य भाषाओं को भी समाविष्ट करती है। जी, तो बहुत उच्च साहित्य मिलेगा आपको, तेलुगु में मिलेगा, मलयालम में मिलेगा, कन्नड़ में मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, उर्दू में मिलेगा, जिनका गुरुमुखी में मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ हमारे यहाँ पर, कि संस्कृति को संस्कृत से जोड़ दिया, संस्कृत को एक विषय के रूप में विद्यालय में पढ़ाने वाले संस्कृत प्राध्यापकों तक छोड़ दिया गया, और उसके जो विषय को लिया गया उसके कारण संस्कृत में संविधान नहीं आया, और संविधान पढ़ाने वालों को संस्कृत से वंचित किया गया। जी, तो ये अच्छी स्थिति उत्पन्न हुई। जी, के कारण यद्यपि ये ठीक है कि एमए में हमारे यहाँ पर भारतीय राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी हैं, अरविंद भी हैं, नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने बात की है, जी, महर्षि अरविंद को पढ़ाते हैं उसमें बहुत छोटा सा एक हिस्सा हो जाता है, तो इसलिए वहां नहीं पढ़ाया गया सर। जी, और इसीलिए यदि आज के वर्तमान संदर्भ में देखें, क्योंकि समय को देखते हुए सिर्फ एक बात, अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं मैं, हमारे यहाँ राम राज्य के लिए क्या कहा गया, रघुकुल रीतरा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और आज स्थिति क्या है, मेरे कुल की रीत सदा चली आई, वचन जाए पर सत्ता ना जाए। सत्ता ना जाए, ठीक है, ये बात ठीक है, इसीलिए वो पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया है। जी, देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ सर मैं आपको, जी, इस समय को याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहा, लेकिन संविधान सभा में कहा गया था कि भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि एक अपराध यदि एक आम व्यक्ति करता है और वही अपराध यदि राजा करता है तो राजा का 100 गुना दंड होना चाहिए। ये रिकमेंडेड है, ये मतलब परंपरा में रिकमेंडेड है। हाँ, परंपरा में रिकमेंडेड है सर, लेकिन आज स्थिति क्या है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल में जाएंगे, राजनीति भ्रष्टाचार करेंगे तो सत्ता पाएंगे। चलिए देखते हैं इस विषय को और, तो मैं चाहूंगा कि और भी हमारे सहयोगी अपनी बात कहें, इन्हीं शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर जगदीप जी, जगदीप जी आप अपने को अनम्यूट कर। हाँ जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार, और आशुतोष सर ऐसे ऐसे विषय हमारे सामने रखते हैं कि हम भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उससे अछूते नहीं रहते।
डॉक्टर साहब मैं अपनी बात कुछ सुझाव के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाऊंगा जी, कि भारतीय ज्ञान परंपरा हम सभी कोशिश करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएं और हम भारतीय संदर्भ में उसको देखें, तो उसके लिए हमें थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को उस रूप में क्यों नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि जब हम कंट्री की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम 91 तक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते रहे, 91 के बाद कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, आजकल हम पोस्ट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो 5-year प्लान है या दूसरे अन्य जो प्लान है जिसके माध्यम से पूरे इंडिया के लिए जो पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं, तो हम पोस्ट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पर हम सभी पॉलिसीज को डिसाइड कर रहे हैं। हाल में ही हमारी NEP जो अभी आई है, लगभग हमने क्या किया, पोस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते हुए 5 countries की स्टडी की और तब हम NEP को लेकर आए। ये मैं बेस में जा रहा हूँ कि रीजन क्या है कि हम पूरे भारतीयता में क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो एक कुछ दिन पहले एक कृषि कानून आए थे, वो भी फॉरेन कंट्रीज को स्टडी करके इंडिया में लाए गए थे, और मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने के लिए जो टेक्निक्स है वो स्वीडन से लाई गई है इंडिया में, हालांकि वो इतनी सफल नहीं हुई। तो कोई भी हम किसी भी चीज को इंडिया में हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको फॉरेन से स्टडी करके लेके आते हैं। हाँ, हालांकि मुझे ये भी पता है कि NEP जब आई इंडिया में तो लगभग बहुत सारे लोगों से सुझाव भी लिए गए थे, सुझाव भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो बेस था उसका वो सारा फॉरेन कंट्रीज का बेस था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आज हम ऐसे सिलेबस हमारी यूनिवर्सिटियां हमारे सरकार नहीं लगा पाई कि जिससे हम भारतीयता को पढ़ पाए। आज भी मैं अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी थी इप्सा की, जो ये बीकानेर में थी, ज्वाइन किया मैंने, मुझे वहां पे मालूम हुआ कि सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी में, सिर्फ एक मगध यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने NEP में अपने जो भारतीयता के सिलेबस से जुड़े हुए पेपर है उनको लगाया है। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज ने भारतीयता को प्रमोट करने के लिए कोई भी सिलेबस नहीं लगाया। अभी हमारी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, MDU है, सारी यूनिवर्सिटियां हैं, कोई भी पेपर मैं ऐसा नहीं पढ़ पा रहा हूँ जिससे हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन को, जिन्होंने सिस्टम को भारतीयता में बदलना है ताकि उनके माइंड में कोई छाप जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मेरे से पहले वक्ता जो बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही संविधान के माध्यम में कि संविधान में बहुत सारे भारतीय संस्कृति का जिक्र है, लेकिन जिक्र है उसको व्यवहारिकता में कहीं भी लागू नहीं किया गया। हम तो ये पढ़ते आए हैं अभी तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बैग ऑफ बारो उधार लिया गया संविधान है सारा का सारा, लेकिन हम ये नहीं पढ़, हम बिल्कुल ये कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं कि भारतीयता से क्या लिया गया है संविधान में। हालांकि हम लगातार अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट हमारे भारतीयता से जुड़े हुए नहीं है। उससे पहले आपका लेक्चर जितना मैं सुन पाया हूँ, मैं क्लास में था तो थोड़ा मैं मिस कर गया हूँ, और उसमें आपने कहा है कि जैसे कौटिल्य से बड़ा राजनीतिक शास्त्री हम, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हुआ है। तो हम किसी भी क्लास में कौटिल्य के जो स्टेट कॉन्सेप्ट हैं, अभी मैं स्टेट कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों से बात कर रहा था, स्टेट कॉन्सेप्ट मुझे वेस्टर्न का फॉलो करना पड़ता है, यूनान का मुझे फॉलो करना पड़ता है। हम अपने इन कॉन्सेप्ट को, कौटिल्य का कोई भी पॉलिसी है या किसी और विद्वान की कोई पॉलिसी है जो भारतीय है, उसकी पॉलिसी को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके सिद्धांत को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी जी, तो मेरा ये नहीं कि ये प्रश्न है, मैं तो सिर्फ ये एक बात बुद्धिजीवी वर्ग के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि हमारी सरकार कोई भी पॉलिसी बनाते समय, कोई भी, हम कितने भी सेमिनार्स के माध्यम से अपनी बात रखें, लेकिन हम उस सेमिनार के डोर से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही हम पश्चिमी सभ्यता या दूसरी जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है हम उसमें चले जाते हैं। अब एक और एक क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज, कि हमें अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन
हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है उसको भी तो सीखना है। क्यों? क्योंकि हमें भारतीय संदर्भ को दुनिया तक पहुंचाना है। जब तक हम हर लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे तब तक हम भारतीय बात को, क्योंकि जो अमेरिकन है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हिंदी में तो समझेंगे नहीं, हमें तो इंग्लिश में समझाना है। तो हमें भाषाओं का ज्ञान भी जरूरी है, हम भाषाओं के ज्ञान को वर्ड नहीं कर सकते। और मैं कुछ अपनी तरफ से सुझाव भी रखूंगा कि क्या होना चाहिए कि हम इसमें बदलाव कर सकें। जब तक हम स्वयं ये नहीं मानेंगे, खासकर सोशल साइंस के विषय में कुछ बात कहूंगा मैं, सोशल साइंस को जो भारतीय या मूल्यों को बढ़ावा देती है, मूल्य हमारे सोशल साइंस से विकसित होते हैं, ये सब हमारे बुद्धिजीवी वर्ग लगभग इससे सहमत होंगे। और जब तक हम उन मूल्यों को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम उस विषय पर नहीं पहुंच सकते। जैसा भी अभी मैंने स्टार्ट किया था कि जो सुझाव के तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि हम सोशल साइंस को साइंस से और कॉमर्स से, जो दूसरे अन्य जो विषय हैं उससे हम हीन न समझें। हम सोशल साइंस को या मूल्यों को ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मान लीजिए मेरा बच्चा पढ़ता है, मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है, वो कहते हैं कि साइंस है, हम गर्व महसूस करते हैं। जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा हीन समझते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल मूल्य तो हमारे सोशल साइंस से ही विकसित हो रहे हैं। और सोशल साइंस का मीन्स हमारे जो हमारे ज्ञान परंपरा है भारतीयता को बढ़ाने का एक तरीका है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉमर्स और साइंस भारतीयता को बढ़ाने का तरीका नहीं है, बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस विषय पर बात की है, इंडियंस भी हैं, लेकिन फिर भी हम उसको दूसरे दर्जे का किसी भी प्रकार से सोशल साइंस को ना समझें। और एक और विषय जो मैं कहूँगा कि हम सबको स्वयं पर भी विश्वास रखना होगा, अपने कंट्री के जो सिस्टम है, हमारी कंट्री का जो लिटरेचर है, हम सबको उस पर विश्वास रखना चाहिए कि वो ऐसा लिटरेचर है कि जो वेस्टर्न कंट्रियों की, मैं बुराई नहीं करूँगा, वेस्टर्न कंट्रियों का जो लिटरेचर है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर है। और अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने मन में बसाएंगे और हम भारतीयता पर, भारतीय इतिहास पर, हमारी संस्कृति पर थोड़ा विश्वास रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम भारतीयता को और अधिक हमारे आने वाली जनरेशन तक पहुंचा पाएंगे। और जो विषय रखा हुआ है हमने 2047 तक भारत को विकसित करने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, तभी हम इन विषयों को, उसी टारगेट को हम पूरा कर पाएंगे जब हम इन विषयों को ध्यान में रखेंगे। मुझे और मैं अपनी बात को अंत में विराम देने से पहले डॉक्टर आशुतोष जी का और जितने भी हमारे श्रोता बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि मुझे आपने आमंत्रित किया और मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्रा जी, और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी। डॉक्टर राजेंद्रा जी, मैडम अपने को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए नहीं है डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी या डॉक्टर अरविंद जी, जो अपने को अनम्यूट कर लें पहले जी। अरविंद कुलकर्णी जी, तब तक अरविंद जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। यस, I am Magazin Kulkarni calling from Bangalore. I heard what Professor he introduced the topic very well, and I am in agreement with him completely. I'm sorry I'm speaking in English because my Hindi is not as good as most of you are. So perfectly okay. Really matter. My first recommendation will be my thinking. I am now 76 and I would like to say that the constitution we are working on is a faulty one because it is built by copying other constitutions. We are a great culture. We have more than 5,000, 6,000 years of history. And first thing we should do is push this constitution slightly away and make sure that we build the constitution of our own. So long as we keep following this old constitution written by someone only by copying from Western nations, is not going to work anymore.
the world is changing very fast and we need to take a cognizance of this. और ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो संविधान है उसको हम पूरा बदलें और इस संविधान को उन लोगों ने लिखना चाहिए जो भारतीयता में भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं। इतना कहकर मैं मेरा जो मुझे जो कहना था उसको मैं पूरा कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये मेरा आग्रह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा से पूरा बदल जाए और इसको उन्हीं लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना चाहिए जो भारतीयता में पूरा विश्वास रखते हैं और भारतीय संस्कृति के फ्लो में आ जाते हैं। जो नहीं आते उनका कोई मतलब नहीं होता। थैंक यू। ओके सर। डॉक्टर सुभाष जी और उसके बाद हमारे साथ प्रोफेसर पीसी देशमुख जी जुड़े हैं। ही विल आल्सो में अश्विनी जी सुभाष जी से पहले अश्विनी जी उन्होंने पहले भी हाथ उठाया था। जी अश्विनी जी आप अपने को अनम्यूट कर लें। जी नारायण प्रणाम। प्रणाम सर जी। आप सभी उपस्थित श्रोताओं को प्रबुद्ध वर्ग को मेरा हृदय से नमस्कार है प्रणाम है। जगद्गुरु पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूर्वनाय पुरी पीठ शंकराचार्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी की साक्षात उपस्थिति अनुभव करता हुआ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जैसे आशुतोष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह समय समय पर लगभग सभी विषयों पर जो भी आज के समय में प्रासंगिक विषय हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं और सभी उसके प्रबुद्ध जनों को वहां पर आमंत्रित करते हैं और मैं देखता रहता हूं इनके जो भी संदेश हैं और जो भी वीडियोज हैं काफी उच्च स्तरीय होते हैं इनकी जो भी वहां पे उठाए जाते हैं विषय। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता मैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल व्यक्ति हूं संगठनात्मक दृष्टिकोण से मैं अपनी बातें आप सबके सामने रखूंगा और मेरा ये क्षेत्र नहीं है वक्ता का पर फिर भी जो आज का विषय उठाया गया है उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। प्रथम तो डॉक्टर आशुतोष जी ने अपने उसमें कहा प्रसंग में चाणक्य जी का कौटिल्य जी का उदाहरण दिया और उसके बाद डॉक्टर हमारे जो भी पूर्व वक्ता थे उन्होंने भी इस विषय को उठाया कि हमको जो दूसरे कंट्रीज का जो हमको संविधान मिलता है वहां से जो ज्ञान प्राप्त करता है हम उसकी तरफ जाते हैं पर हमारे जो अपने यहाँ पर उपस्थित शास्त्र हैं उनको हम नहीं देखते। और अभी डॉक्टर कुलकर्णी जी ने भी इस बात को उठाया कि जो संविधान में जो भी परिवर्तन आए उसके जो भी व्यक्ति हों वो हमारी संस्था के जानकार हमारी संस्कृति के जानकार हों। तो मैं इस विषय में ये बात रखना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी समय नहीं है सृष्टि में सनातन धर्म के अंदर कि जब वर्तमान में हमारे पर ऐसे कोई भी मनीषी उपस्थित ना हो। हम मनीषियों की बात करते हैं हम जब चाणक्य जी की बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि आज की समय में हमारे पास कौन सा ऐसा व्यक्ति उपस्थित है जो चाणक्य नीति की जो चाणक्य की सार गर्भित बातों को हमको समझा सके। हम जब शिवाजी की बात करते हैं तो हमें समर्थ रामदास जी को भी याद रखना चाहिए। हम जब राम जी की बात करते हैं तो हमें वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की भूमिकाओं को भी मध्य नजर रखना चाहिए। तो मैं इतना ही चाहूंगा कि बिना एक मार्गदर्शक के हम किसी भी परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमके पास एक मार्गदर्शक होना चाहिए और हमारे पास उपस्थित है। ये सृष्टि का मंगलमय विधान है कि जो कि वेदों में निष्णात मनीषी होते हैं वही एक दिशा दे सकते हैं संविधान को या आजकल के समय को। इट इज द गोल्डन रूल ऑफ द डिवाइन सुप्रीम कि ओनली ए स्कॉलर हु इज प्रोफिशिएंट इन द नॉलेज ऑफ वेदा हैज द एबिलिटी टू गाइड द वर्ल्ड। हमारे पास आज के समय में पूरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य जी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के रूप में एक ऐसे मनीषी उपस्थित हैं जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं। हर परिस्थिति के लिए हर विषय में उनके पास एक पकड़ है और वो चाहे राजनीति का ही पर्यायवाची शब्द है अर्थनीति उसी का पर्यायवाची है दंड नीति। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसा साहित्य उपलब्ध हो तो उन्होंने हर एक विषय पर
प्रवचन भी दिए हैं और ग्रंथ भी उनके उपलब्ध हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब मनीषी उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ें, और खासकर इस विषय में एक राजधर्म का ग्रंथ है उनका और एक सनातन सार्वभौम सिद्धांत नाम का ग्रंथ है, उसमें आपको हर विषय पे आपको उनको पढ़ने से आपकी क्लैरिटी होगी माइंड में। और मैं चाहूंगा कि दैत्य लोगों को भी एक मनीषी का मार्गदर्शन चाहिए, उनको भी शुक्राचार्य का एक मार्गदर्शन चाहिए, उसके बिना उनकी भी जो है वो अनियंत्रित हो जाती है। तो हम इस बात की अपेक्षा नहीं करें कि हम आज की तारीख में, चाहे वो हमारा प्रजातंत्र हो चाहे वो राजतंत्र हो, बिना आध्यात्मिक मनीषी के हम कहीं भी इस बात को हम आगे बढ़ पाए। तो एक बिना आध्यात्मिक मनीषी के मार्गदर्शन के हम कहीं भी सही दिशा को नहीं पकड़ पाएंगे। राजा जो है वो काल का कारण होता है। त्रेता युग था तो उसमें भी राजा रावण के करके वहां पे अधार्मिकता छा गई थी। तो राजनीतिक जो भी वातावरण है उसको स्तंभित करने की, युग को परिवर्तन करने की जो एक कला है, और जो युग को परिवर्तन करने का एक जो संविधान है वो भारतीय मनीषियों के पास होता है। तो वो जैसे समुन्द्र के खारे पानी को मीठा करना हो तो उसमें कितना धैर्य चाहिए, ऐसे ही धैर्य जो आजकल के जो वातावरण चल रहा है उसको परिवर्तन करने का एक संकल्प हमारे शंकराचार्य जी ने उठाया है। और जब से वो शंकराचार्य जी बने हैं लगभग 32 वर्ष से, बल्कि बाल्यकाल से ही, जब से वो सन्यासी हुए हैं 14 साल की उम्र से, वो इस कार्य को सतत कर रहे हैं और अब उनके संकल्प फलीभूत होने जा रहा है। उन्होंने आज से 3.5 साल पहले ये घोषणा की थी कि सनातन शास्त्र सम्मत भारत का जो हिंदू राष्ट्र होगा, समझेगी नहीं, और वह समय बिल्कुल नजदीक आने वाला है, क्योंकि एक अंग्रेजों की कह लीजिए या एक गलत नीति के कारण हमारा जो एक गुरु परंपरा थी उसको तोड़ दिया गया, उसके बिना उसके प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया गया। उन्होंने अपने पोप की परंपरा को भी कायम रखा, उन्होंने अपने यहाँ राजतंत्र को भी कायम रखा, हमारे यहाँ उन्होंने राजतंत्र को भी तोड़ दिया, हमारे यहाँ गुरु परंपरा को भी तोड़ दिया। तो मैं आपसे ज्यादा अधिक समय नहीं लेता हुआ, मैं आपको केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप शंकराचार्य जी के वक्तव्य को यूट्यूब गोवर्धन मठ के माध्यम से आप सुने। राजधर्म संगोष्ठी का लिंक मैं यहाँ पे आशुतोष जी को भेज दूंगा, और जो भी उनके इसके ऊपर साहित्य हैं वो भी भेजूंगा। और मैं चाहूंगा आशुतोष जी के माध्यम से एक फिजिकल गोष्ठी हो जिसमें गुरुदेव जी उपस्थित रहें, चाहे वो दिल्ली में हो या वो पुरी में हो, तो ताकि सभी लोग मनीषियों को एक प्लेटफॉर्म मिले और एक मार्गदर्शन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। निश्चित रूप से हम ऐसा करेंगे। और जल्दी से सुभाष, डॉक्टर सुभाष जी, और उसके बाद डॉक्टर देशमुख जी, और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी, थोड़ा संक्षेप में बात रखेंगे तो फिर दोबारा एक चर्चा जो है उसका दोबारा जो हम कर पाएंगे। सुभाष जी और उसके बाद डॉक्टर देशमुख जी। सुभाष जी प्रणाम। जी जी प्रणाम आशुतोष जी, प्रणाम सभी वक्तागणों को, प्रणाम श्रोतागणों को। हम में से कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि हमको पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स नहीं आता है, क्योंकि हम सभी 18 साल के ऊपर हैं और हर एक आदमी 8 साल और 3 साल के बीच में वोट ले देता है। इसलिए ये कहना कि हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस नहीं जानते, ये वक्त सही नहीं। हमको इस पूरे भारतवर्ष को अगर चलाना है तो हमको सिर्फ जागरूक होना है कि हम कर क्या रहेंगे। अगर हम किसी आदमी को 5 साल में एक बार वोट देते हैं, या अगले को फिर 3 साल के बाद दोबारा वोट देते हैं, या 6 महीने के बाद फिर वोट देते हैं, तो हम तो एक कॉन्शियस आइडेंटिटी करके पोलिंग स्टेशन में जा करके वोट कास्ट करते हैं। तो फिर ये हमारा ये कहना उचित नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं, हम सोशल साइंस को नहीं जानते हैं, ये मेरे ख्याल उचित नहीं है हमारा कहना। जब तक हम अपने आप को ये पिछड़ेपन में रखेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी, हमको थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कार्टून बनाया है फर्स्ट पेज पे, इट्स रियली मार्वेलस। आई टेल यू इट्स नॉट एन इजी थिंग टू इमेजिन, मतलब कार्टून बनाने वाले आर के लक्ष्मण भी रहे हैं, पता नहीं आपने कहां से उतारा है। ली आई है सर, ये यू आर
मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए हम सब तो फोटोकॉपीज ही हैं, हमारा जितना लेखा जोखा है वो तो वेदों में छप गया है, उसके आगे तो हम फोटोकॉपी पे ही जिंदा रह रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो फोटोकॉपी करते हैं उसको हम कैसे प्रचलित कर रहे हैं, बस वही एक मुद्दा है, और तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जी जी, तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, हम सभी वी आर ऑल कॉन्शियस सिटीजंस, एंड ये ऐसा नहीं है कि हम किसी देश का संविधान देख करके फिर अपना संविधान क्यों लिखेंगे। अगर मैक्स म्यूलर भारतवर्ष में आज से हजार साल पहले आकर के वो हमारी संस्कृति किताबें ट्रांसलेट कर सकता है, यहां तक कि मैं आपको बता दूं कश्मीर में हमारी कुछ किताबें हैं जो संस्कृत स्क्रिप्ट में नहीं लिखी थी, शारदा स्क्रिप्ट में लिखी थी, वो किताबें भी मैक्स म्यूलर ने ट्रांसलेट करके जर्मन भाषा में यहां से लिखे गया है। और आपको साथ साझा करना मेरे लिए बहुत ही उचित रहेगा कि उन चीजों को संस्कृत या शारदा स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने वाले सब भारतीय थे, मैक्स म्यूलर को संस्कृत की थोड़ी सी जानकारी थी। मेरे अपने ग्रैंडफादर के ब्रदर थे, महा महापौध्याय का उनको पद्धति मिला था, स्वीडन के एक ऑथर हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनका जो टेक्स्ट है जो हमारी वेदों से या जो संस्कृत में या शारदा में लिखी थी वो मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर ने ट्रांसलेट करके उसको दिया है, और वो किताब मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर के डेथ के 120 साल के बाद वो स्वीडन ऑथर ने पब्लिश की। ओके जी जी जी, और वो उनको ही इज सो वाइज, उन्होंने उसमें किताब में प्रीफेस में लिखा है आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर जगदर जाडू फॉर गिविंग सो एंड सो एंड सो। अगर बाहर का कोई आदमी हमारे कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करता है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर हम स्वीडन से एनवायरमेंट के बारे में जानते हैं, अगर हम किसी कंट्री से, आज के युग में जब आप WTO के मेंबर हैं तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि मैं दूसरी टेक्नोलॉजीज या दूसरे एस्पेक्ट्स को देख नहीं पाऊंगा, वो तो अब आज के हालत नहीं है ऐसे। बस मेरा इतना ही एक अनुरोध है सभी लोगों से कि हमें बाहर के देशों के जो प्रयोग हैं उनके ऊपर आंख बंद करके आगे बढ़ने का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको हमें साझा करना है। हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, मेरा जो रक्षक है वो बक्षक है। जी जी जी, मैं जिस आदमी को वोट देता हूं कि भैया तुम मेरे देश में अगले 5 साल तक के लिए नामित किए गए हो, मैं तुम्हें सैलरी और पेंशन भी दे दूंगा एक्सचेकर से कम सही काम करो जी, वो वहां पर जाके स्कैंडल करेगा और वो वहां पर जाके सब जो काम हो रहे हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा उसको हमें किसी तरीके से रोकना है, हमें थोड़ा सा जागरूक होना है। बस मेरा अनुरोध सभी लोगों से इतना ही कि हमें कोई पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स पढ़ना जरूरी नहीं है, हम सब लोग एक घर चलाते हैं, अगर एक आदमी घर चला सकता है तो वो दुनिया का हर एक काम कर सकता है, वो रॉकेट भी चला सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे मौका बोलने का देने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। इसके बाद डॉक्टर PC देशमुख जी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार रोहतास जी। सर मैं अभी बोलना चाहूंगा इन दो वक्ताओं के बाद क्योंकि मेरा घंटा खत्म हो गया है। जी जी ठीक है, इन दो वक्ताओं के बाद बहुत संक्षेप में अपनी अपनी बात रखेंगे और फिर जो है ताकि सभी का नंबर आ जाए और फिर हम एक सर्कल रिपीट करेंगे। जी डॉक्टर देशमुख जी अनम्यूट कर लीजिए सर अपने को। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं प्रोफेसर आशुतोष जी को और उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप सभी लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस करता हूं कि आपसे इस मीटिंग में मेरा परिचय हो रहा है और मैं देख रहा हूं साथ में जो अलग पार्टिसिपेंट्स है वो भी बहुत ज्ञानी लोग हैं, सभी को मेरा वंदन और नमस्कार।
यदि आप परमिशन दे तो मैं एक 3-4 स्लाइड्स शेयर करूंगा। जी कर लीजिए, लेकिन सर थोड़ा सा ब्रीफली, क्योंकि बाकी लोग भी फिर बोलने वाले हैं। बिल्कुल हाँ, मैं 4-5 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज डू शेयर। मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा जी। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ, मुझे एक मिनट। इसके नीचे ही है वो एक एरो बना हुआ। हाँ, आ रही है श्री? हाँ, मेरी हाँ स्लाइड आ गई। हाँ जी, हाँ जी, आ गई, आ गई। हाँ, तो ये आपका जो आज का विषय है उसमें आप धर्म, पॉलिटिक्स, रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो उस विषय में मैं 1-2-3 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। ये महाभारत के कर्ण पर्व में ये श्लोक है और ये व्यास जी ने श्री कृष्ण के उनसे ही वधवाया है कि धारणात् धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजाः यस्य धारणं संयुक्तं स धर्म इति निश्चयः। तो इसका मतलब कुछ ऐसे आता है कि धर्म, ये जो शब्द है ये ध्रुव धातु से निकलता है, जिस धातु से धरती या इस प्रकार के शब्द का भी उगम होता है जी। तो धरती जैसे हमें उठाती है, हमें पकड़ के रखती है, इट होल्ड्स अस टुगेदर। तो धर्म का मतलब यही होता है कि जिस जो पद्धति है, जो संस्कृति है, जिससे समाज की धारणा हो सके, वो धर्म कहलाता है। इसमें कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं है या क्रिएटर का उल्लेख नहीं है, तो किसी पूजा व्यवस्था या होम हवन के व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ उस पद्धति का नाम है जिससे समाज की धारणा हो सके। और ये श्री कृष्ण जी ने महाभारत में, उनके द्वारा ये कहा गया है, ये कर्ण पर्व में श्लोक है। और इस श्लोक पे यदि हम चिंतन करें तो रिलीजन, पॉलिटिक्स जो है ये इसके नीचे आएगा। रिलीजन में अनेक प्रकार के रिलीजन आ सकते हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, पॉलिटिक्स में बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज आ सकते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल लास्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा कि जिस प्रकार से कुछ शब्द, संस्कृत के शब्द, योग, मंत्र, गुरु, ये 3 शब्द का मैं उल्लेख करूंगा जो अंग्रेजी डिक्शनरी में उपलब्ध है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है उसको यदि आप देखें तो उसमें योग शब्द है, मंत्र भी है, गुरु भी है, उसमें रिलीजन भी है, पॉलिटिक्स भी है, लेकिन धर्म नहीं है। और कई लोग धर्म और रिलीजन को एक ही पादान पे सोचते हैं और इसकी व्याख्या डिक्शनरी में होनी आवश्यक है ताकि यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सके कि ये रिलीजन नहीं है जी। और इसको जब तक लोग समझते नहीं है तो उसको, उसका निरुपयोग गलत काम से ढंग जो हमारे पॉलिटिक्स में आता है उसका बहुत बड़ा हमको प्राइस चुकानी पड़ती है। तो मैं पिछले कुछ सालों से प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन अभी तक उसमें मैंने कुछ सक्सेस नहीं पाया कि कुछ संस्थाओं को मैं अपील कर रहा हूं, आपको भी अपील कर रहा हूं कि आप कुछ इनिशिएटिव लेके यदि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस को पत्र लिखें कि इसमें धर्म शब्द
का उल्लेख हो, जिसकी डेफिनेशन दी जाए, जिसमें ज्ञानी लोग उसकी कैसे डिफाइन करे, मीनिंग कैसा डिफाइन करे, उसका योगदान कर सकेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और इतना ही मुझे कहना था। बहुत मूल्यवान आपने बात कही है डॉक्टर साहब। हाँ, तो मुझे आपसे ज्यादा कुछ टाइम लेना नहीं है, लेकिन आपको ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप यदि ये जो बड़े डिक्शनरीज हैं, 3 डिक्शनरीज सोशली एजी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और वेबस्टर डिक्शनरी, इसमें यदि आप कुछ इनिशिएटिव लेके इसको आगे बढ़ा सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और ये बड़ा अच्छा सुझाव है, क्योंकि धर्म शब्द जो है वो तो हमारा संस्कृति का केंद्र है, मूल है, तो वो डिक्शनरीज में ऐसा अच्छी आना चाहिए जैसे बाकी शब्द आए हैं। तो बल्कि कर्म भी बहुत लेट आया उसमें, उन्होंने ऐड तो कर लिया कर्मा करके, तो लेकिन धर्म शब्द नहीं लिया। ठीक कह रहा कहा आपने, तो हम इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। तो इसके बाद डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी, उसके बाद डॉक्टर रोहतास जी और देन मेजर सुदर्शन जी, और फिर उसके बाद मोहनलाल जी। जी अखिलेश जी, सभी विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं, और आदरणीय डॉक्टर आशुतोष जी को बहुत आभार कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय आज हम सबके सम्मुख रखा है। बात धर्म की चल रही है तो मैं धर्म से ही आरंभ कर देता हूं। जो वेदादि शास्त्रों में करने वाले कर्म हैं या करने योग्य कर्म है, वो करना ही धर्म है, और जिनका निषेध किया गया है वो अधर्म है। और धर्म का अर्थ होता है जो हम धारण करते हैं। वास्तविक बात यह है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही धर्म है, बाकी सब मत पंथ और संप्रदाय है, या उनको आप अंग्रेजी में रिलीजन कह सकते हैं। इसका समझ सब लोगों को होनी चाहिए, ऐसी में सबसे जो है अपेक्षा करता हूं। जहां तक राजनीति की बात है, तो महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में ये राजा कैसा हो, राजनीति कैसी हो, राजव्यवस्था कैसी हो, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, ये सब विस्तार से दिया गया है, और वो भी वेद मंत्र और मनुस्मृति के माध्यम से दिया गया है। और उसमें विशेष बात यह है कि उसमें यह कहा गया है कि सभासद या राजा वो हो जो कम से कम एक वेद का पूर्णतः ज्ञाता हो। जो वेद का ज्ञाता नहीं है उसको राजा या सभासद बनने का अधिकार नहीं है। उसके आगे उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि यदि आपको आपके सभासद उपलब्धि नहीं है, तो भले ही 100 सभासद हों जो वेद के बारे में या नीति शास्त्र के बारे में या न्याय के बारे में नहीं जानता हो, तो आप उनकी बात मत मानिए, केवल उसकी बात मानिए जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है, जो नीति का ज्ञाता है, जिसने मनुस्मृति पढ़ी है जी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज की स्थिति क्या है कि 9वीं फेल या 9वीं पास व्यक्ति भी मुख्यमंत्री का दावेदार है, और ऐसे जाने कितने लोग है। इसीलिए हमारी भारतीय राजनीति की दुर्दशा है। दूसरी बात क्या है कि जब महाभारत के उपरांत विद्वान लोगों की कमी आ गई और हम लोगों ने वेद मार्ग छोड़ दिया, तो हमने वेद का पढ़ना पढ़ाना भी छोड़ दिया, और जो भगवान कृष्ण है उनका ज्ञान भी हमने समझना छोड़ दिया। इसका एक उदाहरण ये है कि वेद का एक मंत्र है कृणवंतो विश्वार्यम, उसका अगला ही भाग है अब घने तो आरावण है। उसका अर्थ है जो व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है, बुरा कर सकता है, बुरा सोचता है, उसको हम पीस दें, खत्म कर दें। श्री कृष्ण ने इसीलिए महाभारत में कहा था जैसे ही कर्ण नीचे उतरा अपना पहिया उठाने के लिए, जबकि कर्ण तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, तो कहा श्री कृष्ण से मार दो इसे, लेकिन इसका पालन पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया। उसको क्या जरूरत थी 17 बार लड़ने की, पहली बार में ही अगर वो वेद का ज्ञान जानता तो उसको पीस कर रख देता और हम आज लंबे समय से गुलाम नहीं होते। लेकिन ये क्रम चलता रहा। दुख की बात है कि ये क्रम चलता रहा। जब दुर्भाग्यवश 1947 में भारत का विभाजन हो गया, और इस आधार पर हो गया कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो जो 22% थे उनको 33% हिस्सा दे दिया गया,
तो क्यों नहीं 0-0 से हिसाब कर दिया गया? जी जी बिल्कुल, उधर चले जाते और पूरे उधर के इधर आ जाते। लेकिन कांग्रेस जो थी, या यूं कहिए कि जो नेहरू जो था, जो कि मात्र मिस्टर गांधी की कृपा से बना था, उसने देश का बंटाधार कर दिया, ऐसा मैं मानता हूं। और उसका क्या परिणाम है आज हम भुगत रहे हैं? हर जगह तरह तरह के झंडे, दंगे और तरह तरह की समस्याएं आज हमारे सामने आ रही हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है कि या तो आप हमें यही कोई हिस्सा दे दो, और अगर आपको हमारा साथ अच्छा नहीं लगता तो आप कहीं और चले जाओ। ये परिणाम है राजनीति के। और उसके बावजूद भी मैं तो वर्तमान सरकार से भी ये अपेक्षा करता हूं कि वो दंड नीति का सही रूप से पालन करे। दिल्ली में जब दंगे हुए थे और हजारों की भीड़ निकल के जो है दंगा कर रही थी, तो भाई साहब 10-20 हजार को मार देना चाहिए था, भारत में दंगे ही खत्म हो जाते। इसी तरह और भी दूसरी नीतिगत गलतियां की गई, उसका हम सबको भुगतना पड़ा। जो जैसे कि किसान आंदोलन था, जो कि विदेशी टूल किट था, दो मतलब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उन लोगों ने उसको चलाया था। मेरे जैसे लोगों ने उसको व्यक्तिगत रूप से झेला, जब दिल्ली में वो बंद के दौरान पर घूम घूम के जाते थे, कई लोगों की ट्रेन भी निकल जाती थी। सरकार को ने क्यों उसको बढ़ने दिया? ऐसे कोई भी चीज जो आम आदमी को तकलीफ पहुंचाए और नीति के विरुद्ध हो, उसके लिए सरकार को चाहिए तत्काल कड़ा एक्शन ले और उसको न होने दे। यही सरकार की नीति है। जब तक दंड नीति, जिसका उल्लेख किया गया है, वो सरकार मजबूती से नहीं चलाएगी, तब तक जो है इस भारत में शांति होने वाली नहीं है। और एक मैं छोटी सी और बात आपको बता के अपनी बात को रखूंगा। एक साहब ने, शायद जादू साहब ने, इतिहास की बात उठाई थी। जो इतिहास अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने लिखा, उसको हमें जो पढ़ाया गया, पहले पांच जो शिक्षा मंत्री हुए केंद्र में, वो गैर हिंदू थे, वो मुस्लिम थे। तो और कोई खुद नेहरू जी ने कहा था कि मैं तो बाई चांस हिंदू हूं। तो हमें झूठे इतिहास पढ़ाया गया, उसका दुर्भाग्य ये रहा कि जो जिस विभाग का जो प्रोफेसर होता है, यानी जो हेड होता है, वो ही मानता है। फिर उसके नीचे वाले उसी की बात मानते हैं, फिर उनके शिष्य उसी की बात मानते हैं। क्यों? वरना जो उनकी थीसिस है, वरना जो उनका शोध है, वो गलत सिद्ध हो जाएगा। राइट। अपना एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। एक प्रोफेसर जो हिस्ट्री के थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, वो काफी वरिष्ठ थे। वो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि जो कलयुग का आरंभ है वो ईसा से 3102 वर्ष पूर्व है, या जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो 3138 वर्ष पूर्व है। वो अंग्रेजों की बात ही गा रहे थे कि सब वो तो 1500 से ज्यादा पीछे नहीं जा सकता, जबकि इसके पुरातात्विक सबूत है, इसके शास्त्रीय सबूत है, और दूसरे इसके जो है एस्ट्रोनॉमी के सबूत है। लेकिन वही तो है सब पढ़ाने वाले। और मैं ये बात बहुत ही सब यहाँ, चूंकि यहाँ सभी प्रोफेसर हैं और उन्होंने जाने कितने बच्चों को पढ़ाया होगा, उन सबसे माफी मांगते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, कृपया सब लोग अपनी मानसिकता बदले। और जो भारतीय इतिहास है, जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय चिंतन है, उसको ध्यान से पढ़ें। और ये आपका व्यक्तिगत धर्म है कि आप उस सत्य का ही प्रचार करें, अन्यथा जो झूठे लोग हैं वो अपना प्रचार करते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी सब बर्बाद हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। नमस्ते। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। डॉक्टर रोहताश जी, और उसके बाद हमारे साथ सुदर्शन जी हैं, और उसके बाद मोहनलाल जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैंने बीज वक्तव्य में आशुतोष जी आपकी चार बातें सुनी, पहला उनसे पहले मैं सुन नहीं पाया, उसके बाद मैं लगातार सुन रहा हूं।
बहुत अच्छी बातें जैसे प्राप्त संरक्षण संवर्धन लोक कल्याण आचार भाषण आवेग भोजन दुर्योधन का उदाहरण राज्य या पृथ्वी गाय का उदाहरण, इन बातों से सारी बातों से स्पष्ट ये है कि हम अपनी संस्कृति के नजदीक भी नहीं है। जितने पूर्व वक्ताओं ने जो बात की मैं दोहराने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन जब से राज्य और राजा का संतुलन आपस में आया है प्रचलन में, तब से फ्रांसिसी लुईस सोलवे ने यह कहा है कि मैं ही राज्य हूं और मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूं। लेकिन आज आज बात उससे भी आगे निकल चुकी है, जैसे आपने द्वापरयुग का दुर्योधन का उदाहरण दिया कि राज्य छल कपट से मिला और लोक कल्याणकारी लोगों को अपनी तरफ जुड़ाव करने के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम से मुफ्त रेवड़ियां बांटनी शुरू की, वो आज बिल्कुल नग्न रूप में दिखाई देता है और उस समय भी दिखाई देता था। लेकिन संघर्ष की बात जहां तक, मैंने एक डेमोग्राफी बदलने के प्रश्न पे भी एक बात मेरे मन में आती है, क्योंकि आज जो डेमोग्राफी बदली जा रही है वो बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि मैं कई बार इस बात को महसूस करता हूं कि पानी फल अन्न और मांस, हम आज तक अन्न में उलझे हुए हैं और वो लोग मांस शुरू से और आखिर तक वो मांस के ऊपर निर्भर रहकर उस मानसिकता को प्रीपुक करके संसार के सामने रखकर मनवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि जब हम पानी से जीवित रहे तब हमारा सीधा ऊपर वाले से कनेक्टिविटी रही, फल पे रहे तब हमने समाज के बारे में ये समझने का प्रयास किया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जब हम अन्न पर आए तब हमें आपादापी ये मेरा ये तेरा बंटवारे पर आए, और जब हम मांस पर आ चुके हैं और आज हम देखते हैं तो अब ये आ गया कि ये मेरा होगा ये तेरा नहीं है। संसद भवन भी वक्त पर है, ये है वो है, अनेक बातें हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मांस का रूप यहाँ तक आ चुका है। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, जो हमारा विषय था कि राजनीतिक वैज्ञानियों ने क्या सीखना है, कोई नहीं सीखेगा सर, सब के सब परिपाटी पर चलने वाले हैं। हरियाणा लोकसभा 2024 जो हरियाणा में हमने देखा, उड्डा 5 सीटें छीन कर लेगा सिर्फ दो बातों का चश्मा चढ़ाकर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। लेकिन जैसे ही लोकसभा 2024 खत्म हुआ और 2-3 महीने के अंतराल के बाद जनता ने उस विधानसभा 2024 में जो निर्णय दिया, ऐसी जनता ही इन राजनीतिक वैज्ञानियों को सिखाएगी और इसका कोई उपचार नहीं है। दूसरा एक उपचार मुझे समझ में आता है, जैसे अब की बार 15 अगस्त 2023 में मोदी जी ने कहा था कि अपारिवारिक अवंशवादी लोग राजनीति में अगर हर साल 1,00,000 आएंगे तो राजनीति में शुचिता आ सकती है, यही एक दर्शन मात्र बचता है कि राजनीति क्या सीखेंगे, सिर्फ बदलाव, नए व्यक्ति आए जो पारिवारिक राजनीतिक से न हो, वही इस समाज का इस राजनीति का नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, प्रशंसा के योग्य है। मेजर सुदर्शन जी और उसके बाद मोहनलाल जी। सर नमस्कार, और सभी शिक्षाविदों को भी मेरा प्रणाम। सर आपने जो बात शुरू की वो राजनीति की चर्चा से शुरू की और राजनेता के को 3 भागों में आपने बांट करके, इनफैक्ट 4 हिस्सों में आपने बांट करके तरह तरह के राजनेताओं के बारे में बताया। मुझे लगता है कि राजनीति अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, जो भी गुणों की बात कर रहे हैं वो राजनीति से एसोसिएटेड ना होकर राजनेता से एसोसिएटेड है, क्योंकि करने वाला राजनेता है, जो भी वो करता है अच्छा राजनेता करता है तो राजनीति अच्छी होगी, और यदि राजनेता बुरा है तो राजनीति बुरी होगी। इसलिए राजनीति को अपने आप में दोष देना मुझे लगता है कि वो शायद उतना उचित नहीं होगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है इसमें भी 2 अलग अलग हिस्से करके देखना पड़ेगा, एक वो चीजें जो शाश्वत सत्य हैं और एक वो जो समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रही हैं।
तो राजनीतिक जो परिपेक्ष में लिखा होगा वो उस समय काल और परिस्थिति के लिए तो उपयुक्त होगा, क्योंकि तब तो ज्यादातर राजतंत्र था और अब बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में लोकतंत्र के परिपेक्ष में भी उस ज्ञान को एक बार देखना पड़ेगा कि वो आज के इसमें कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है। इसमें तीसरी बड़ी बात आती है, वो आती है राजनेता और वोटर, खास तौर पर राजनेता के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। हमारे पास में एक पॉलिटिकल सिस्टम तो है कि एक वोटिंग सिस्टम होगा और उसके माध्यम से हमारा राजनेता चुना जाएगा, लेकिन राजनेता की क्वालिटीज क्या होंगी जो जैसे हम मैं अगर फोर्सेस की बात करूं तो फोर्सेस में रिटन एग्जाम वगैरह सब होने के बाद भी एक स्पेशली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, वो बड़ा एक्सटेंसिव 5 दिनों का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। जो उसको पास करते हैं उन्हीं को फिर आगे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक इसी तरह से एग्जीक्यूटिव आर्म में सिविल सर्विसेज के लिए भी रिटन एग्जाम और फिर इंटरव्यू वगैरह एक प्रोसेस होता है। तो क्या हम ऐसा कोई मेथड इम्प्लीमेंट करने की तरफ देख सकते हैं जिसमें कि पॉलिटिशियंस की पर्सनैलिटी टेस्ट, क्योंकि अदरवाइज सिर्फ एक लाइकेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है कि वो अपने व्यवहार से जितने लोगों को प्रभावित कर सके सिर्फ वही दिखाई देगा, क्योंकि सरफेस पे सिर्फ व्यवहार दिखाई देगा लेकिन इंटेंशंस तो बहुत बाद में पता चलेंगी उसकी। तो क्या हम भी उनकी टेस्टिंग करके वोटिंग का प्रोसेस एक हो गया लेकिन राजनेताओं के ग्रेडेशन और सिलेक्शन के लिए उनको अलग अलग हिस्सों में डाल सकते हैं क्या ऐसा कोई मेकानिज्म, जैसे अभी शायद पीसी साहब ने भी बताया कि एक 9वीं क्लास भी पहुंच जा रहा है और इसके प्रोविजन संविधान में दिए हुए हैं 68A के अंदर, इसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाला भी गया और बाद में इसको इंक्लूड भी किया गया है मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, आई थिंक आर्टिकल 84 के अंदर इसको बाद में इंक्लूड किया गया है, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह आज तक कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इस पर मुझे लगता है कि खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राजनेता अगर ठीक होगा तो राजनीति अच्छी होगी, इसलिए ये एक कंट्रोल चेक पॉइंट बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो वोटर्स हैं, वोटर्स की तरफ भी देखना होगा कि वोटर्स की क्या प्रोफाइल है, क्योंकि इसमें एक बड़ा अहम हिस्सा है डिसीजन मेकिंग का, और डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत सारे पहलू आते हैं कि वो किसी राजनेता का चुनाव कैसे करे। उसका अगर 4 लोग हैं तो हम हर एक आदमी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, खान पान हर एक चीज को, हमारी अलाइनमेंट को, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर के तरह तरह की हमारी हो सकती हैं, लेकिन क्या हम उन प्रेफरेंसेस से ऊपर उठकर किसी सच में किसी वैल्यू सिस्टम की तरफ देख करके अलाइन हो सकते हैं क्या, जैसे धर्म की बात की पिछले प्रवक्ता ने, जो कि किसी एक प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिस से अलाइन नहीं करता बल्कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको ग्रेविटी के साथ में लिंक किया कि वो जो जैसे ग्रेविटी बांध करके रखती है हमको, वो इट इज अक्रॉस ऑल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो बेसिक टेनेट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू तो रहेंगे ही रहेंगे सबके अंदर, तो उनसे लिंक किया जा सकता है क्या कहीं पर, जिससे कि वोटर्स के अंदर कैपेबिलिटी आए और वोटर्स को मतलब अब ये सिस्टम का एक पार्ट हो गया कि वोटर्स एक बार डिसाइड कर लेता है उसके बाद में वोटर्स के पास कुछ नहीं है, उसको 5 साल के बाद ही अपना वोट रिवाइज करने का मौका मिलेगा, वो रिवाइज भी क्या फ्रेश वोटिंग का मौका मिलेगा, लेकिन इस दौरान 5 साल के अंदर जो कुछ भी होता रहेगा उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं, बिल्कुल लगभग वो डिस्कनेक्टेड है उसके बाद में। तो ये एक इशू हमको देखना होगा। तीसरा शिक्षा और राजनीति, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, जैसे अभी पिछले प्रवक्ता ने भी बताया कि पहले 5 जो रहे या कम्युनिस्ट का एक विचारधारा चली जिन्होंने शिक्षा को दूषित कर दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, उसमें एक बड़ा पहलू ये भी है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और खास तौर पर वैकेंसीज ही निकाल देना पॉलिटिशियंस की, कि MLCs और MLAs और इनके लिए रिजर्व सीट्स दे देना शिक्षकों के लिए, ये भी एक बड़ा पहलू रहा है जिसने कि शिक्षा को पॉलिटिसाइज किया है और इसने बहुत हार्म किया है, क्योंकि जो सत्य जो एक न्यूट्रल इंस्टेंस के साथ में करेक्ट बात लोगों तक पहुंचा सकते थे वो खुद ही बायस हो गए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि शिक्षा में ऐसी कौन सी शिक्षा
ऐसा कौन सा ज्ञान दिया जाए जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा ना हो या जानने की जरूरत ना रह जाए, जो हम गीता से हमेशा इस तार को निकालते हैं। तो पहली चीज की आत्मज्ञान, दूसरे विषयों को जानने से पहले ऑब्जर्वर खुद को तो जान ले पहले। तो क्या हम ऐसा कोई, हम साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन क्या हम खुद को जानने के लिए, अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी पर्सनैलिटी को जानने के लिए या उस पर काम करने के लिए क्या हमारे पास में कोई टूल है जो हमें उसके लिए सशक्त करता हो? तो गुरुकुल की परंपरा या आत्मज्ञान का या आध्यात्म का ज्ञान जो जिसके ऊपर हमारी सभ्यता हमेशा से रिलाई करती रही है, जो उसका यूएसपी रहा है, क्या उसको इस पर लेवरेज किया जा सकता है? ये एक बड़ा एलिमेंट होगा। और तीसरी बात कि गुड और बैड, ये सिक्के के दो पहलू हैं। ये जब से सृष्टि बनी तब से अच्छा और बुरा दोनों साथ चलता आया है। किसी एक का होना और दूसरे का ना होना ये पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। इन दोनों मौजूदगी का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर एक पहलू हट जाए तो सिक्के की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसलिए गुड और बैड तो रहेंगे, हमें ये मान के चलना होगा कि हमें इन दोनों को बैलेंस में रख करके आगे चलना होगा। और इसलिए अगर मैं इसका एक ट्राइंगल बनाऊं तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा में तीन बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इसमें। एक पॉलिटिक्स का एंगल जो आपने बताया, और उससे जुड़े हुए दो एंगल्स जो हमने चर्चा की, एक तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो गया, और तीसरा इसमें यदि पावर की बात ना की जाए, अथॉरिटी की बात ना की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और कलेक्शन ऑफ पावर की बात ना की जाए, तो वो राजनीति मुझे लगता है पूरी तरह से कभी डिफाइन नहीं हो पाएगी। राजनीति और पावर बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। तो पावर, पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग, अगर ये तीन की पॉइंट्स हैं तो इसको एक आवरण में देखना होगा, और वो आवरण हो सकता है एथिक्स, मॉरेलिटी और कंडक्ट से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि भारत का जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो इसी चीज को डील करता है, एथिक्स, मॉरेलिटी और कंडक्ट को लेकर के, जिसके थ्रू हम शायद इसको देख सकते हैं। पहले राजतंत्र से भी मैं यदि कंपेयर करूं इस मॉडल को, तो जब राजा थे तो एक राज ऋषि भी होते थे। जी जी बिल्कुल। शिक्षा देने के लिए बेशक से अलग से गुरुकुल की परंपरा रही हो, लेकिन उनको एडवाइजर के तौर पर एक राज ऋषि हुआ करते थे, जो कि उनको डिसीजन मेकिंग में मदद करते थे, जो उनको स्पेशली एथिक्स, मोरालिटी और कंडक्ट रिलेटेड एरियाज के ऊपर उनकी डिलेमा को दूर करते थे। तो कोई भी डिसीजन लिया जाए वो इस चेक पॉइंट के थ्रू होकर के जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो डिसीजन करेक्ट नहीं हो सकता। जी। तो ये बातें मैं सम अप करना चाहता था। और संविधान में मुझे लगता है कि अच्छे प्रोविजंस दिए हैं, बेशक से वो उसकी सोच कुछ भी रही हो, क्योंकि ज्ञान जहां से भी मिले वो यदि ले लेना चाहिए। और उस संविधान को पूरा बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान के अंदर चेंजेस के पहले भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अभी भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, और वो इंटेंशंस पर डिपेंड करेगा कि चेंजेस किस इंटेंशन से किए जा रहे हैं। पुराने कुछ चेंजेस किए गए, उनकी इंटेंशंस गलत थी इसलिए वो गलत हुए, लेकिन अब यदि हमें इस कोर्स करेक्शन करना है तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आज भी संविधान ही होगा। और कुछ बेसिक चेंजेस, जैसे हमने कहा कि पॉलिटिशियंस के ग्रेडेशन को लेकर के, वोटर्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, या एथिक्स मोरालिटीज के ऊपर पॉलिसीज को टेस्ट करने को लेकर के, या कुछ एक नया सीनेट इस तरह का जो कि नई पॉलिसी मेकिंग को लेकर के चेक कर सके कि जो हम डालने जा रहे हैं वो कितना आम जनता के लिए सहायक साबित होगा, या वो पॉलिसीज कितनी उस डायरेक्शन में अलाइंड होंगी, जो फ्रीबीज और इन सब की तरफ लाइकेबिलिटी फैक्टर से हट करके असली ग्राउंड वर्क की तरफ उनको अलाइन करें। तो मुझे लगता है कि संविधान के ऊपर, उन विषयों के ऊपर हमें जरूर देखने की जरूरत है। अदरवाइज इस संविधान में एज सच कह देना इसको आउट ये बुरा है, मुझे लगता है वो एक बहुत फार फेस्ट आइडिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने समीक्षा की है, बहुत अच्छी आपने बात, और बड़े युक्तियुक्त जैसे लॉजिकल और रीजनेबल बातें आपने हमारे सामने रखी हैं। और मैं आपको ये आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन है उसका एवेल्यूएशन मेथड सिर्फ मैंने उसको बनाया नहीं, नहीं तो एक क्वेश्चनियर बना सकता था मैं, क्योंकि मटेरियल सारा अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके आधार पे आप पब्लिक की ओपिनियन भी ले सकते थे कि भाई ये गुणों की जो लिस्ट है, क्या आपके पॉलिटिशियन में ये वाले गुण हैं कि नहीं है, तो ये भी, और खुद पॉलिटिशियन भी यदि अपना सेल्फ एवेल्युएशन करना चाहे तो उसका भी वो क्वेश्चनियर बन सकता था।
लेकिन फिर इतनी मेहनत करना और इतनी क्षमता जो है वो तो नहीं है, तो केवल एक आउटलाइन इसमें दी गई है। और दूसरा जो जिसकी चर्चा आपने बाद में भी की कि पॉलिटिशियन जो है उसको राजर्षि होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड जो है स्तरीकरण जिसे आप कहते हैं वो राजर्षि के रूप में है। पुरुषोत्तम दास टंडन को सिर्फ वही एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनको राजर्षि कहा गया, तो राजर्षि जो है वो पूरे उसमें शायद 79 के करीब जो है वो गुणों को उपस्थित होना चाहिए। ऐसा आप रामायण में भी पा सकते हैं, रामायण के पहले सर्ग में आपको ये इस तरह के गुण मिलेंगे और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और प्लस राजधर्म का पालन ये एक की फैक्टर है, क्योंकि अगर हम मोरालिटी और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर थोड़ा सा उलझ जाएंगे, लेकिन राजधर्म जो है उसको समझना उसको जानना वो सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात और अंतिम बात कह के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उसके बाद हमारे साथ कि जो क्वालिफाइड सिटीजन का कॉन्सेप्ट हमारे है, तो यहाँ पे सिटीजन तो आप बाय बर्थ हैं, बट आर यू ए क्वालिफाइड एनफ टू बी ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री क्रिएटिव, तो उसकी 7 कैटेगरीज आपको उपलब्ध होंगी। वो सारी चीजें मैंने इसलिए नहीं इसमें डाल सकता था क्योंकि वो बहुत मेहनत के काम है, फिर वो प्रेजेंटेशन बनाना और फिर वो सारा करना, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये सब चीजें उपलब्ध हैं, इनको मैं आपके साथ समय आने पे जरूर शेयर करूंगा। जी रविंदर जी, और उसके बाद फिर हमारे साथ जो भी एक सबमिशन है मेरा, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, जो सेफोलॉजिस्ट रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो एक मैं कहूंगा प्रयोग कर रहे हैं बिहार में इस समय, हालांकि उन्होंने अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई है, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो जो चुनाव में जो कैंडिडेट खड़ा होगा उनकी पार्टी से, वो जनता के जो उनके कैडर हैं या उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो चुनेंगे जी जी, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। तो एक नया अभिनव प्रयास मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दलीय स्तर पर ये वो कर रहे हैं। अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। और उसमें मैं चाहूंगा कि अगर वो प्रशांत जी अगर यहाँ से कुछ गुणों का अपने उसमें एवेल्युएशन में डालना चाहें तो जरूर उनका हम सहायता कर सकते हैं, शास्त्रों से वो जरूर ग्रहण करना चाहिए उनको उसका मूल्यांकन करने के लिए, क्योंकि व्यक्तित्व और चरित्र का मूल्यांकन करने की पद्धतियां बहुत सारी हैं। मोहनलाल जी, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, अगर वो अपनी बात रखें या कोई और रखना चाहे। मोहनलाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, नहीं? डॉक्टर रमेश वर्मा जी और उसके बाद शमशेर जी भी हमारे साथ हैं, वो भी जी। हेलो जी जी, नमस्कार। चलिए नमस्कार, सच बताऊं तो आज मैं सिर्फ सुनने के मूड में आया था, क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का कुछ मेरा अधिकार नहीं है, सिर्फ पिछले 20-25-30 साल की पीड़ाएं हैं जो मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगा, और ऑलरेडी बहुत सारे मित्रों ने उस पर काफी सारा अच्छे ढंग से विचार किया हुआ है, तो मैं सिर्फ अपने ढंग से इसको इस ढंग से देख रहा हूँ। जब मैं लोअर एजुकेशन देखता हूँ वो मिशनरीज के पास है, हायर एजुकेशन देखता हूँ तो कम्युनिस्ट के पास है, और जितना कुछ आपने इस थोड़े से 20 मिनट में अपने इंट्रोडक्शन में दिया है मेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और सभी मित्रों को आई एम श्योर कि इतने ह्यूज लिटरेचर में और भी बहुत कुछ मिलेगा जो आज भी हमारे लिए रेलिवेंट है। नो डाउट कि जो आज की हमारी राजनीति की समस्या हम लोग सभी फेस कर रहे हैं वो हमें लगता है कि हर युग में किसी ना किसी फॉर्म में रही भी हैं, लेकिन आज के टाइम में जो सबसे बड़ी पीड़ा मैं ये अनुभव करता रहा हूँ कि पूरी की पूरी हमारी जो 4 जनरेशन है वो जैसे अखिलेश जी ने कहा है, उन्होंने नाम लेके ही कहा है और मैं भी उसके साथ सहमत हूँ कि जो नेहरूवियन डिवाइड डेलिबरेट ड्राइव ये डिवाइड थी सनातन कल्चर और मॉडर्न एजुकेशन को सेपरेट रखने की, उससे बड़ा धक्का हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे मित्र हैं सुन रहे हैं, बट हम लोग शायद माइनॉरिटीज में ही हैं, जैसे एक ने तो बीच में कहा भी है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो अभी भी 1500 BC में ही एक्चुअली चल रहे हैं, कि ऋग्वेद काल उससे ज्यादा नहीं, महाभारत और के बाद पता नहीं हुई भी नहीं है, तो इस अवस्था तक पहुंच जाना कि हम अपनी पूरी थाती को उसको डिसओन करने पर आमादा जैसे हो गए हैं, यहाँ ये जो हमारी तथा कथित स्वतंत्रता के बाद की सरकारें रही हैं बहुत सफल रही, जो उनका पर्पस था कि हमें डिसरूट कर दिया जाए अब अपरूट कर दिया जाए, आज हम उसके
विक्टिम भी हैं और खुद इसके कल्प्रेट भी हैं, क्योंकि हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। चीजें जो हम लोकल लेवल पर शेयर कर सकते थे, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते थे, वो आशा ही नहीं रही, और उसके कारण हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे केरला फाइल देखिए आप, उसमें आपको यही दिख रहा है, उसकी पीड़ा यही है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बताया क्यों नहीं मेरा क्या हूँ। जिस धर्म ने आपको सस्टेन करना है, मैं रिचुअल पूजा की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, वो जो वैल्यूज हैं, वो पूरे के पूरे वैल्यूज हमें, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस का बहुत रोल है, उसको वो मेंटेन करती। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए था हम खुद क्या हैं, फिर हम उसको फॉलो भी करते और उसके बाद प्रोपोगेट भी करते। और इसलिए नहीं कि हम लोग सनातनी हैं, हमारे पास बहुत कुछ है देने को है, आज उसकी विश्व को जरूरत भी है, नोइंगली अननोइंगली, वेस्ट भी ईस्ट भी, फॉर एनी गुड और बैड रीजन। जो ग्लोबल है इश्यूज, जिसके अंदर टेररिज्म है, लॉस ऑफ वैल्यूज है, हेल्थ कॉस्ट है, उसके पीछे जड़ रूप से यही है कि दे डोंट हैव द डायरेक्शन, और उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी। वहां हमारे जो भी आपने शीर्ष शुरू में दिखाई है, इसमें इतना कंटेंट है कि हम उसी को लेकर के बैठ जाएं तो हमें दिशा बहुत होगी। बट आशा मुझे नहीं है, एक थोड़ी सी आशा इधर जरूर लग रही है कि इन दिनों में सुन रहा हूँ कि IKS नाम से कुछ चीज उठ रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, शायद उसमें पॉलिटिकल साइंस को भी उन्होंने शामिल किया हो। अब ये सरकारी है या गैर सरकारी है, सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता, बट इसकी जरूरत है। और वो यदि जिस दिन आएगा, और हमारे, क्योंकि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, यदि वही आपने डिसरप्ट कर दी है तो उसके बाद आपको आशा कहाँ है। तो हम जैसे लोग जो हैं, वो सच कहूँ तो अच्छा लगता है सुनने में, बहुत बहुत माइनॉरिटी में है, कंट्रोल अभी भी उन्हीं लोगों के पास है। अब मैंने कई मित्रों से बात की कि NAP 2020 में जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, जैसे संस्कृत की बात वो कर रहे हैं, हमारे जनरेशन को तो 4 साल यही पढ़ाया गया संस्कृत जैसे डेड लैंग्वेज, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास है या क्या है नहीं। और फिर उसको ये कहा गया वो तो पुरानी बातें हैं, उसका अब कोई रेलिवेंट नहीं है। लेकिन जब मैं आपके इस वेबिनार से जुड़ता हूँ, तो हर क्षेत्र में इतना कुछ हमारे सामने आप ला करके रखते हैं, उसके लिए साधुवाद तो आपका है ही है। तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस में ऐसे कहने का कुछ नहीं है, बट आपके प्रयासों के मैं बहुत ही सराहना करता हूँ, और उम्मीद है कि हम दोबारा से अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे हर क्षेत्र में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्षेत्र है समाज का, विज्ञान का, ज्ञान का, अध्यात्म का, जहां भारत ने आरंभ से ही कुछ ना गहरा कंट्रीब्यूशन या उसके बीजों को जन्म ना दिया हो, फैलाया ना हो, तो उसको ही डिस्कवर कर पाए तो मुझे लगता है रास्ता खुलेगा कहीं ना कहीं। जी धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत आभार जी। और किसी ने कोई अपनी बात रखनी हो तो फिर उसके बाद हम चर्चा को विश्राम देंगे जी। किसी ने और अपनी को बात रखनी हो, को पॉइंट हो, जी डॉक्टर साहब जी, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब रमेश जी बोलते हैं तो फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, फिर आदमी चुप नहीं रह पाता है। जी मैं रमेश जी आपके साथ एक इवेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब सो कॉल्ड 1947 हम आजादी हुए, तो एक बार जवाहरलाल नेहरू कश्मीर आए, तो लोगों ने सोचा कि नाम तो इनका है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब है कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज प्राइम मिनिस्टर लेके आए होंगे, इसलिए कश्मीर आए। तो लोगों ने उनको कहा कि भैया अब हमारा क्या होगा, बिकॉज उस वक्त हो सकता हमारी वहां जनसंख्या 5% रही होगी पॉपुलेशन में कश्मीर में। तो ये नेहरू का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, इफ हिंदूज हैव टू एग्जिस्ट इन कश्मीर दे हैव टू ज्वाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नथिंग बट इट इज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो 47 में ही हमारे नेहरू जी ने हमें कहा था कि भैया आप कन्वर्ट हो जाओ। और हम तो बेवकूफ थे, हम तो समझे नहीं, हम समझे 1990 तक हम समझ नहीं पाए। बिल्कुल रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जागरूकता बढ़ाने। मैं सिर्फ यहाँ ये कहूंगा कि 1990 में एक पुस्तक मेरे हाथ लगी थी सीताराम गोयल जी के, हिंदू समाज संगठनों के घेरे में,
तब तक हमें भी ज्यादा चिंता नहीं होती थी। जब उन्होंने ये पुस्तक मैंने पढ़ी, छोटी से 40-50 पन्ने की है, तो मुझे लगा ज्यादा फैनेटिक है, ज्यादा कुछ ये फैसिस्ट की तरफ ले जाएंगे हमें, बट उसको ध्यान से अध्ययन किया तो वो बहुत कड़वे कड़वे सच थे। उनका एक छोटा सा इशू मैं सिर्फ शेयर करूंगा, वो कहने लगे कि आप कितने सनातन संस्कृति की बात कर लो, यदि समाज ही नहीं बचेगा तो, क्योंकि समाज उसका व्हीकल है, समाज उसको कैरी करेगा, यदि समाज ही नहीं बचेगा तो उसका होगा क्या। और ये धन्यवाद है नेहरू जी का कि आप देख लीजिए आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट जो 5% क्रिश्चियन था आज वो 95% है, पॉपुलेशन आपके सामने है, और हर जगह ये मिशनरीज हों या इस्लामिस्ट हों, समाज को टुकड़े टुकड़े, इवन एक्चुअली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी, उन्होंने ये तीन शत्रुओं का जिक्र किया था कि किस प्रकार ये जो तीन हैं वो सोच रहे हैं कि हम हिंदू समाज को ही टुकड़ों में काटें। और जितनी भी आप देखिए कि पिछले सरकारों के, खासतौर पर यूपी और कांग्रेस सरकारों के जो पॉलिसीज रही हैं माइनॉरिटीज कमीशन के नाम पे, हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश ही रही है, और आज भी वो उसके ऊपर नंगेपन से चल रहे हैं जी। इसलिए अस्तित्व भी खतरे में है, जो अभी कुलकर्णी जी की पीड़ा को मैं समझ रहा था कि उन्होंने इसलिए कहा है कि रास्ता नहीं दिख रहा सिवाय ओवरथ्रो के, आपको डेमोक्रेटिक सेटअप में उठने का जागने का रास्ता ही नहीं दिया जा रहा, आपको तो थ्रेटन हो रही है। जैसे अखिलेश जी ने कहा कि रहना है तो हमारे रहम करम पे रह लो, अब बकवास बंद करो, हम लोगों का ही है सब कुछ। तो वो इश्यूज आज ना बड़े बड़े रेलिवेंट हो गए हैं। ठीक है, हमारी जनरेशन तो कुछ सालों में चली जाएगी, बट जो हमारे अगली जनरेशन है उनके साथ क्या होगा वो छोड़ के डर लगता है यदि हम लोग नहीं उठे स्ट्रॉन्गली। जी बिल्कुल जी। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ अगर अनुमति अनुमति वाली बात नहीं है, सभी का ही प्लेटफॉर्म है। मैं 1947 से और पहले ले जाना चाहता हूँ, मिस्टर गांधी और नेहरू की सोच के संबंध में। जब स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई थी एक मुस्लिम के द्वारा, तो मिस्टर गांधी ने ये कहा था कि ये मुस्लिम भाई जो है वो मेरा भाई है और उसने कुछ भी गलती नहीं करी है। जी जी बिल्कुल सही। स्वामी श्रद्धानंद उस समय इतने इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि उसने लाखों लोगों की घर वापसी कराई थी और उनकी जनता में इतनी पकड़ थी कि मिस्टर गांधी तो कहीं नहीं लगते थे। तो ये जो चरित्र रहा है मिस्टर नेहरू मिस्टर गांधी का या और दूसरे कुछ कांग्रेसियों का, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सब हिंदुओं के विरुद्ध ही रहा है और इसको आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे तो उन लोगों पे बहुत अफसोस होता है कि जो आज भी नहीं जो है समझते। वही मैंने कहा है कि गिनते में हम लोग कम हो गए हैं, इसलिए क्योंकि मेजोरिटी को तो कन्वर्ट कर दिया गया। जी जी बिल्कुल सही बात है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम निकट भविष्य में लेंगे। तो सर, सर जी सर मैं एक, हाँ एक बात कहना चाहता हूँ बस सर। जी जी मैं गांगोली गांव पिलुखड़ा ब्लॉक सफीदो विधानसभा और सोनीपत लोकसभा से का स्थायी निवासी रहा हूँ बहुत वर्षों तक। अब मैं दिल्ली आ गया। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ जो सभी बातों की बात सुन के मुझे मन में आई है। सोनीपत लोकसभा 2024 का चुनाव सतपाल ब्रह्मचारी जी ने जीता और वो हरिद्वार से सिर्फ मतदान से 25 दिन पहले उड्डा जी उनको उठा कर लाए और एक बहुसंख्यक जाति के लोगों ने उसको जितवा दिया। और मैं आज के परिपेक्ष में ये मानता हूं कि जैसे 1947 में मुस्लिम लीग काम करती थी आज वैसे ही कांग्रेस काम कर रही है। डेमोग्राफी का जो आपने सवाल सर बीज वक्तव्य में उठाया था उसका ये पुख्ता उदाहरण है कि जब भी कोई जाति बहुल हो जाती है तब उसका ही सांसद उसका ही एमएलए उसका ही पीएम उसका ही सीएम बनता है। और ये आगामी कुछ दिनों में कुछ 2040 तक ये डेमोग्राफी इतनी बदल जाएगी कि लगभग 19 राज्य ऐसे हैं जिनमें मतलब वो अपना पूरे का पूरा हस्तक्षेप रखते हैं, 9 राज्य में वो स्थिति बदलने की स्थिति में हैं। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये कांग्रेसी विचारधारा को नकार कर हमने राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्ष में अपना मत रखते हुए आगामी सीख रखनी चाहिए, तभी राजनीतिकों को सबक मिलेगा। जैसे हरियाणा के विधानसभा में उड्डा का चश्मा उतार कर सामान्य व्यक्तियों को जितवाया गया है। जी जी
यही मेरी बात थी बस, नमस्कार जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर आप अपनी टिप्पणी रखें और फिर इस चर्चा को विश्राम देते हैं आपके बात। जी एक दो बातें कहना चाहता सर मैं, वैसे तो उन्होंने एक वक्तव्य में कह भी दिया, वास्तव में पता क्या है सर कि संविधान में कमी नहीं है, क्योंकि जो शब्दावली है वो तो शाश्वत है, वो आपने चाहे कहीं से ली हो। मुख्य समस्या तो ये है कि हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। जैसे जैसे जस्टिस संजय कौल ने कहा कि न्याय का सिद्धांत हमारे लिए नया नहीं है, और फिर उन्होंने प्रीत्रा न्याय साधु नाम भगवद गीता का उद्धृत किया। ये है कि जो हमारा संविधान है उसमें कमी नहीं है, बल्कि उसके लागू करने में कह सकते हैं आप नंबर, दूसरा उसकी व्याख्या में, क्या उसको हम भारतीय शास्त्रीय संदर्भों में व्याख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। तीसरा, हम करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि कोई देश, मेरा अपना मानना है कि आप संस्कृति के भिन्न नहीं हो सकते। कोई भी संविधान यदि उस देश की संस्कृति के विपरीत है तो वो लागू ही नहीं हो पाएगा। तो भारतीय संविधान में कमी नहीं है सर। दूसरा बात, एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। अभी बातें आई हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र क्यों, क्यों नहीं भारत, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू और भारत में बहुत अंतर है सर। जी, ठीक। एक हमारे सदस्य ने बहुत, मैं पूरी तरह से उसका प्रतिवाद करता हूँ, जब उन्होंने दंड नीति की बात कही और कहा कि क्यों नहीं 20-30 हजार लोगों को मार दिया गया। दंड का कौन देगा, दंड के न्यायालय होगा या कार्यपालिका होगी? कार्यपालिका अपने हाथ में ले लेगी, हो सकता है कि आज मेरी मनोभावना के अनुरूप कार्य कर रही हो, तो वो कार्यपालिका की मनोभावना के विपरीत भी कार्य कर सकती है, तो अथॉरिटेरियनिज्म की ओर नहीं हम जा सकते। तो ये दो तीन मेरी संक्षिप्त सी थी, एक ऑब्जेक्शन था ये इसके ऊपर बहुत बड़ा दंड नीति को, कि कार्यपालिका को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। जी ठीक है, वैसे ये विषय तो डॉक्टर साहब हमने निकट भविष्य में लेना भी है कि व्हाट इज भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जब हम भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसके सांस्कृतिक आधार नहीं है, जबकि भारतीय संस्कृति कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत व्यापक और बहुत बड़ी है। और भारतीय संविधान में, मतलब मैं एक आध पॉइंट अभी तो आपसे साझा कर लेता हूँ, इस संविधान में, इंडियन संविधान में, मैं इसको इंडियन संविधान कहता हूँ, भारतीय संविधान नहीं कहता, क्योंकि इसमें ना तो भारत परिभाषित है ना यहाँ की संस्कृति परिभाषित है। और जब कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहता है कि सब अच्छी बातें और बड़ी यूनिवर्सल वैल्यूज को लिया गया है, तो भाई यूनिवर्सल वैल्यूज तो आपकी पुरुषार्थ थी, तो वो आपको एडप्ट करनी चाहिए थी, ना कि आप वहाँ के फ्रीडम के शब्द को ला करके यहाँ थोप देते और फिर उसका अर्थ कहते स्वतंत्रता, जो कि उसका तालमेल ही कोई नहीं है। और एक डॉक्टर साहब आपकी बात का मैं और विस्तार करते हुए कहता हूँ कि आपकी सुप्रीम कोर्ट, मेरा उसमें कोई आस्था नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट आपके भारतीय भाषाओं के शब्दों की ऑक्सफोर्डियन व्याख्या करती है, वो कभी भी भारतीय व्याख्या नहीं करती। आप अंग्रेजी, आप हिंदी तो बोल ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में, और जब आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप किसका रेफरेंस देंगे, आपको शास्त्र का रेफरेंस देंगे? आप हमेशा जो व्याख्या करेंगे, जस्टिस की भी व्याख्या करेंगे आप, और जितने भी शब्दों की व्याख्या करेंगे, वो सारी ऑक्सफोर्डियन कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। ये सबसे बड़ा दोष है जिससे कंफ्यूजन पैदा हुआ है, एक्सेप्ट नहीं किया, ये थोपा गया है, और इससे भारतीय मानसिकता में कंफ्यूजन पैदा हुआ है। लेकिन इसको हम चर्चा में लेंगे जब हम इस विषय पे निकट भविष्य में चर्चा करेंगे, व्हाट इज भारतीय इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहुत अच्छी और रुचिकर चर्चा रहेगी, तो किसी और की कोई टिप्पणी है तो ठीक है, नहीं तो हम आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। सर मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूं यदि आपकी इजाजत हो तो। नहीं, मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है, मैं आपकी तरह ही हूं,
आपकी तरह प्रतिभागी हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैं बस यही, हालांकि ये चर्चा में आया है डेमोग्राफी को लेकर के, लेकिन मैं इसे दूसरे शब्दों में रखना चाह रहा हूँ इस बात को जी। वो ये कि भारत इज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये वो है जहाँ पर सबके लिए स्थान है और सभी माइंडसेट्स के लिए, सभी टाइप की आइडियोलॉजी के लिए, सभी टाइप के रिलीजन्स के लिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी है, और डेमोक्रेसी उस सेंस में कि सबके लिए वो स्वतंत्रता है भारत में, वो इट इज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी बाय डिफॉल्ट। प्रॉब्लम ये है कि इस जगह पर जब दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और बहुत रिस्ट्रिक्टेड, जैसे मोनोथिस्टिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट जो कि अथीस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या फिर कैपिटलिज्म, या फिर दूसरी इस तरह की जब आइडियोलॉजीज आकर के बैटल ग्राउंड बनती हैं और जो कि एक स्पेसिफिक वोटर को अपने साथ में लेकर के आती हैं, जो कि डेमोग्राफी से सीधा सीधा रिलेट करता है, तब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये बैटल संविधान से हट करके फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स का क्लैश हो जाता है। ये कंपीटिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो वर्चस्व के लड़ाई कर रहे हैं, और उसमें पीछे रह गया है जो सच में स्पिरिचुअली डेमोक्रेटिक है और उसकी आवाज कहीं दब जा रही है। बिल्कुल सर, एक लाइन बोलना चाह रहा था सर बस जी। ये जैसे आपने अंतिम समय में शिक्षा पद्धति मैकाले और न्याय प्रणाली मैक्सवेल का जिक्र किया सर, ये अब तक भी अगर लोकल गांव में भी जाकर देखें, मुगलीय शब्द अब भी हमारी मतलब इस कोर्ट कचहरी में चले मेर, किसी को भी पता नहीं, टाइप करने वाले को भी पता नहीं और जो टाइप करवा रहा उसको भी पता नहीं। ठीक है ना सर, एक बात। दूसरी बात, अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमने संविधान बना दिया, और संविधान अच्छा या बुरा उन लोग तब साबित होगा जो जिन लोगों की उनको स्थापित करने की मानसिकता होगी। जी जी बिल्कुल सही है। और मानसिकता अब मोदी जी की जब अच्छी मानसिकता आ रही है कि यूसीसी लागू होना चाहिए सब भी राज्यों में देश में, तो इस अच्छी मानसिकता के विपरीत बुरी मानसिकता वालों का बहुमत है, इसीलिए लागू नहीं हो पा रहा। संविधान सभी अच्छे होते हैं, बच्चा अच्छा पैदा होता है, लेकिन परवरिश के ऊपर होता है कि वो किस तरफ जाएगा, उसकी मानसिकता परिवार किस तरफ लेके जाएगा। उसी प्रकार से इस संविधान भारत के राजनीतिज्ञों ने जहां ले जाकर छोड़ दिया है, उसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं की थी। नमस्कार सर। चलिए धन्यवाद जी। छोटी सी बात सर, एक छोटी सी बात आपकी अनुमति। जी जी जी। ये जो भारतीय संस्कृति और हमारे शास्त्रों में उद्धृत है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतो निरामया, या कुर्वन्तु विश्व आर्यम, या विश्व बंधु की भावना, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हमारे भाई बंध वही है जो हम जैसे हैं, चोर उचक्के अत्याचारी लुटेरे और जो मानवताहीन व्यक्ति हैं वो हमारे बंधु नहीं है, और ना हम उनको अपने में शामिल करेंगे। तो ये एक बात बहुत जरूरी समझने की है कि हम जब बात करते हैं कि सब सबका भला हो, सब अच्छे हो, तो सबका भला मतलब हम जैसे लोग हो, राइट, जिनके गुण कर्म स्वभाव अच्छे हैं, जो आर्य हैं, उन्हीं की ही भलाई की बात कर रहे हैं, गैर आर्य की भलाई की बात हम नहीं करते। वैसे पता नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से चलिए सहमत होता हूँ, लेकिन अब सर्वे जब शब्द प्रयोग किया जा रहा है, वो उसको कहीं क्वालिफाई इस रूप में नहीं किया कि बाकियों का भला ना हो, मेरा और मेरे परिवार का तो भला हो, बाकियों का ना हो, ऐसा मेरे देखने में तो नहीं आया। और इसलिए ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब हम तर्पण आदि करते हैं तो उसमें मनुष्य, हर तरह के मनुष्य का, हर तरह के राक्षस का, असुर का, देवों दानवों का भी तर्पण करते हैं, तो वो अनकंडीशनल सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात मुझे तो लगती है, लेकिन आपकी बात इतना जोड़ना चाहता हूँ, जब ये बात कही गई थी जब सारी पृथ्वी पे आर्य ही थे, आर्यों का ही राज्य था, सभी लोग श्रेष्ठ थे, तो इसलिए उस समय ये बात कही गई थी। लेकिन वेद की जितने भी दिशा निर्देश हैं, मार्गदर्शन है,
आदेश हैं वो मात्र आर्यों के लिए हैं, जिनके गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो उन्हीं के लिए हैं, चोर उचक्कों को कहीं भी भाई नहीं कहा गया है। ऐसी ऐसा ऐसा मेरा छोटा सा ज्ञान है। नहीं नहीं, छोटा ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपका बड़ा सशक्त और सटीक होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं, और आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इससे पहले कि एक दो टिप्पणियां मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ, सूचना देना चाहता हूँ, अगला जो वेबिनार है वो बहुत जल्दी है, क्योंकि समय नहीं मुझे उनके उनसे मिल पा रहा था। तो अगला वेबिनार परसों हमने रखा है, डॉक्टर सुशील पंडित जी जो कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं और नेशनल लेवल की पर्सनैलिटी हैं, आप सभी जानते हैं, और कश्मीर के मुद्दे को विषय को उन्होंने बहुत स्थानों पर रखा है, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। उनकी चर्चा हमने परसों रखी है, और चर्चा का जो विषय है वो मैं आप लोगों के साथ हो सकता है शाम को नहीं तो कल साझा करूंगा, लेकिन इतना मेरा निवेदन है कि परसों आप सभी लोग जरूर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है और बहुत गंभीर विषय है वो। लिंक यही रहेगा कृष्ण जी, लिंक इसी को आप सेव कर लें, यदि आप हमारे ग्रुप में नहीं है तो आप या तो मेरे साथ जुड़ जाइए या जिसका भी संपर्क आपके पास है तो मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो इस्लामिक एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज ऑफ कश्मीर ये विषय है, और इस विषय पे वो विस्तार पूर्वक अपनी बात रखेंगे हमारे साथ, और फिर हम ओपन हाउस डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग मुझे उस दिन आवश्यक रूप से चाहिए, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन उसके साथ पूरा एक इतिहास, एक पीड़ा, एक समाज की पीड़ा लेकर के वो हमारे साथ बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में हम सभी जुड़ें भी, उनसे चर्चा भी करें, जो भी हमारे प्रश्न होंगे उनकी बात भी हम सुने। तो इसी सूचना के साथ मैं अब हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपने इस सारे विषय के ऊपर, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अलग अलग दृष्टियों से चर्चा की, मेरे ज्ञान को आपने विकसित किया, उसे सूक्ष्म बनाया, संवेदनशील बनाया, और कई तरह की सूचनाओं से मुझे अवगत कराया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से मुझे लगता है अब हम इसके बाद पॉलिटिकल साइंस शब्द को लेंगे, अभी तक तो पॉलिटिक्स को लिया था, अब इसके बाद पॉलिटिकल साइंस को लेंगे कि शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहता है और उसका फॉर्मेट क्या बनाता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत 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 आभार, और जल्दी ही हम फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार, नारायण जी, नारायण सभी को, नारायण नारायण। तो आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, तो परसों फिर